अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार ऑनलाइन एकेडमी में मैं डॉक्टर अलका पारेख आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों के किसी भी परीक्षा में 20 से 25 क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं और कई बार हम केवल एक छोटी सी युक्ति को बिना सहारा लिए ये सोच लेते हैं कि इन चीजों को हम छोड़ देते हैं और इसको हम नजरअंदाज करते हैं, जबकि देखा जाए तो ये एक छोटी सी युक्ति के माध्यम से इन प्रश्नों का हल बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं और इस अपनी कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अध्ययन के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर। लेकिन उससे पूर्व यह आवश्यक है कि हम पिछली कक्षा में आए हुए प्रश्नों का भी कुछ विवरण देखें और उन प्रश्नों को देखें। सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। ब, यह कई सामाजिक विज्ञान विषयों का केवल संग्रह मात्र है। स, मानवीय अनुभवों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। द, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के विकास, सभ्यता की उन्नति तथा भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। पहला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तियों एवं पर्यावरण का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है, कि केवल हम लोगों का अध्ययन कर रहे हैं और पर्यावरण यानी उसके सामाजिक वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो वही सामाजिक अध्ययन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल सामाजिक विज्ञानों का संग्रह है, कि केवल सामाजिक विज्ञानों को मिला लिया और वही है। तीसरी बात कह रही है कि मानवीय अनुभवों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है, कि मानवीय अनुभव हमें जहां से भी मिले वे सामाजिक अध्ययन है। द, जो इसका चौथा ऑप्शन है, वो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के विकास, कि विभिन्न प्रकार की संरचनाएं वो आई कहां से, विकसित कैसे हुई, सभ्यता की उन्नति, मोहनजोदाड़ो नील नदी सभ्यता, ये सभी सभ्यताओं की उन्नति कैसे हुई तथा भविष्य में स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। भूगोल के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसलिए भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। इस प्रकार दोस्तों इसका सही उत्तर है द। आगे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है, सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है कि क्यों सामाजिक अध्ययन पढ़ना चाहिए। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो हैं, हमारी खुद की एक इंडिविजुअल की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करता है सामाजिक अध्ययन। तो ब है शैक्षिक, सामाजिक व वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की व्यवस्था। शैक्षिक जो भी कुछ शिक्षा से संबंधित है, सामाजिक जो समाज से संबंधित है, वैज्ञानिक जो विज्ञान से संबंधित है, ऐसे ज्ञान को अर्जित करने की व्यवस्था सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत है। सही ऑप्शन कहता है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि हमारी सामाजिक जो भी आवश्यकताएं हैं, पहली थी व्यक्तिगत आवश्यकताएं और दूसरी है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सामाजिक अध्ययन है। तीसरा, चौथा ऑप्शन कहता है कि व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करना। हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका सही उत्तर द ही है, क्योंकि व्यक्तिगत भी जरूरी है क्योंकि मानव का अध्ययन है, व्यक्ति समाज से संबंधित है इसलिए सामाजिक आवश्यकता भी जरूरी है, और क्योंकि हम इसे क्रमबद्ध अध्ययन भी कहते हैं इसलिए वैज्ञानिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। इसलिए इसका सही उत्तर द है, व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान की शिक्षा देना सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है। आइए हम चर्चा करते हैं सामाजिक अध्ययन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य व उद्देश्य पर। सामाजिक विज्ञान और कहीं कहीं पर सामाजिक अध्ययन शब्द हमें भ्रांति देता है और हमें लगता है कि ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, और कई बार इस पूर्वाग्रह से हम ग्रसित होते हैं कि शायद ये शब्द अलग अलग हैं। सामाजिक विज्ञान कई बार स्टूडेंट्स छठी सातवीं चौथी पांचवी में यह विषय तभी से शुरू माना जाता है, और कई बार इसे केवल
इस आधार पर हम छोड़ देते हैं कि सबसे निर्जीव विषय है, ऐसा विषय है जिसमें हम गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, ऐसा विषय है जिसे पढ़ते ही नींद आती है। लेकिन यदि इस विषय को भी बहुत युक्तिपरक तरीके से, बहुत वैज्ञानिक तरीके से और बहुत रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा जाए तो यह विषय इतना जटिल एवं इतना निर्जीव नहीं जितना निर्जीव हम इसे समझ लेते हैं। सही पूछें तो मानव तथा मानव के संबंधों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है, और कहीं कहीं जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान एक साइकोलॉजी की जहां बात करते हैं, व्यक्तियों के संबंध की बात करते हैं, तो उसकी सामाजिकता परिलक्षित केवल सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही होती है। ऐसा विषय जो कई विषयों का समग्र रूप है, ऐसा विषय जिसको हम अलग थलग समझकर या बेकार समझकर छोड़ नहीं सकते। मानवीय ज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, ज्ञान और सूचना। दो ऐसे शब्द हैं जो हमें कई बार सुनने में मिलते हैं, और आज का जो सूचना प्रौद्योगिकी का समय है उसमें हमें हर चीज सूचना के माध्यम से मिलती है। गूगल से हमें हर चीज मिल रही है, नेट से हमें हर चीज मिल रही है, तो सूचना प्राप्त हुई और सूचना का आगे से आगे आदान प्रदान हुआ। लेकिन सूचना एक व्यक्ति ने ली और लेकर आगे उसको प्रदान की तो जरूरी नहीं है कि हमने उसको ग्रहण किया। लेकिन ज्ञान, जब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान आग्रहण की बात करता है, ज्ञान पहले खुद पर हम लागू करके फिर उसे देते हैं तो वह ज्ञान है। तो मानवीय ज्ञान को दो भागों में बांटा गया जिसे प्राकृतिक विज्ञान तथा समाज विज्ञान कहा। प्राकृतिक विज्ञान लाइफ साइंसेस और समाज विज्ञान सोशल साइंसेस। प्राकृतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम शरीर की रचना, उसके विकास तथा उसके सौष्ठव की बात करते हैं कि एक मनुष्य कैसे पैदा हुआ, उसके शरीर की रचना कैसी है, उसके आंख की रचना कैसी है, उसके हृदय की रचना कैसी है। ये बात हुई प्राकृतिक विज्ञान की। न केवल शरीर की रचना के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन उसके छोटे से छोटे अणु परमाणु की भी बात हम प्राकृतिक विज्ञान में करते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान की मजेदारी ये है, और प्राकृतिक विज्ञान शायद सजीव हमें इसलिए लगता है क्योंकि इसका रिजल्ट हमें तुरंत दिखाई देता है। चलते फिरते मानव में जो कुछ भी नए से नया कुछ हो रहा है वो हमें दिखता है, इसलिए ये विषय हमें रुचिपूर्ण लगता है। दूसरी तरफ मानवीय ज्ञान को दूसरे भाग में जो बांटा गया वो है समाज विज्ञान। समाज विज्ञान यानी समाज का विज्ञान। कई बार हम देखें चीज को कि प्राकृतिक विज्ञान केवल शरीर रचना और एक व्यक्ति की बात कर रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी और वृहद बात यह है कि समाज विज्ञान न केवल एक व्यक्ति की बात करता है बल्कि व्यक्ति के साथ जुड़े हुए सारे समाज तथा उसके संबंधों की बात करता है। और फिर भी देखा जाए तो हम इस विषय को इतना निरर्थक समझकर अलग फेंक देते हैं और इस विषय को यूं समझते हैं कि इस विषय की हमारे लिए आवश्यकता है ही नहीं। तो प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान मानवीय ज्ञान के दो पक्ष हैं। यदि मुझे ज्ञान अर्जित करना है तो मुझे दोनों ही बातों पर चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे मेरे प्राकृतिक विज्ञान को भी सजीव रखना पड़ेगा तो मुझे मेरे सामाजिक विज्ञान को भी सजीव रखना पड़ेगा। प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि हमने चर्चा करी, प्राकृतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो लाइफ साइंस से रिलेटेड है। लाइफ साइंस यानी वे विषय, वह विज्ञान जो दृष्टिगत है। दृष्टिगत विषयों का पुंज ही प्राकृतिक विज्ञान है। दृष्टिगत से तात्पर्य है कि जिनका प्रभाव तथा जिनको हम अपनी नजरों से देख रहे हैं, जिनको हम लाइव, जिनका चेंजेस, जिनके बदलाव को हमें लाइव हमें दिखाई दे रहे हैं, दृष्टिगत विषयों का अध्ययन ही प्राकृतिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जंतु विज्ञान, प्राणी शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र आदि विषय आते हैं। ये सारे विषय प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और इन प्राकृतिक विज्ञान के विषयों के परिणामों को, इनके बदलावों को और इन बदलावों के आधार पर एक व्यक्ति में तथा व्यक्ति के साथ साथ उसके प्रकृति के आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन चेंजेस को हम अपनी दृष्टि के आधार पर परिलक्षित करते हैं। इसी वजह से इसे दृष्टिगत विषयों की संज्ञा दी गई। दूसरी तरफ आते हैं समाज विज्ञान, जो कि हमारा मुख्य विषय है, जिस पर कि हम चर्चा करने के लिए यहां एकत्रित हैं। समाज विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः उन विषयों को लिया जाता है जिसकी मुख्य धुरी मानव है। मानव, लेकिन मानव के साथ साथ उसका समाज, मानव समाज तथा मानव के जन्म,
संगठन तथा विकास की बात करता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान न केवल मानव तथा मानव के साथ, क्योंकि मानव किसी भी अंग की पहली इकाई है, तो मानव, लेकिन मानव के बाद जैसे ही मानव अपने मानव के बाद की जो कड़ी आती है वो उसका समाज आ जाता है, तो मानव के बाद समाज तथा समाज के साथ उसका संगठन कैसा है। यहां पर यदि वो कुसमायोजित है, मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं समायोजन और कुसमायोजन, यदि वो कुसमायोजित है तो हम उसके संगठन को प्रभावी संगठन की श्रेणी में नहीं लेंगे। संगठन तथा उस संगठन का विकास, मानव का विकास, क्रमिक विकास किस रूप में हो रहा है, उसकी रचना, उसका विकास तथा उसकी व्याख्या भी हम सामाजिक अध्ययन में करते हैं। मानव का जन्म भी है, संगठन भी है तथा विकास की व्याख्या भी है। विकास की व्याख्या करने के आधार पर, उसके क्रमिक विकास को देखने के आधार पर ही हम सामाजिक विज्ञान को भी वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं। क्योंकि आप देखिए, जो कुछ यदि वैज्ञानिक विषयों में है तो वैज्ञानिक विषयों में क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता है कि हमने कुछ भी उत्तर मांगा तो उसमें सीक्वेंस वाइज है कि यदि दो और दो चार है तो वो चार ही होंगे, लेकिन हम यदि इस विषय के आगे विज्ञान लगा रहे हैं तो विज्ञान का मतलब है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी हम उसको वैज्ञानिक मान रहे हैं इस आधार पर, क्योंकि उसमें क्रमिक विकास है और वो विकास हमें दिख रहा है, वो भी दृष्टिगत है, उसको हम मान रहे हैं। इस आधार पर समाज विज्ञान मानव समाज तथा मानव समाज के जन्म, संगठन तथा विकास की व्याख्या करता है। आगे हम देखते हैं कि समाज विज्ञान में जो विषय आते हैं, जैसे कि अभी हमने प्राकृतिक विज्ञान में देखे भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जंतु विज्ञान, प्राणी शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र, उसी प्रकार ये भी हमें देखना होगा कि समाज विज्ञान में आखिर ऐसे किन विषयों का पुंज है और ऐसे कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं। हम सभी जानते हैं, हम सभी ने पढ़े भी हैं, और वो चार विषय हम सभी की जुबान पर भी हैं। समाज विज्ञान के जो विषय हैं वो है इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। और इन चारों विषयों के अतिरिक्त जो विषय इस विज्ञान में और सम्मिलित माने जाते हैं वो है दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र। दर्शन शास्त्र इतिहास, जिसकी हम बात करते हैं, तो इतिहास जहां पर हम अतीत का अध्ययन करते हैं और अतीत से सीखते हैं। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र नवीं दसवीं कक्षा से पहले उस विषय को नागरिक शास्त्र के रूप में माना जाता है, लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो इसी विषय को राजनीति विज्ञान के रूप में माना और पढ़ा जाता है। अर्थशास्त्र, जिसमें हम अर्थ तथा वित्त व्यवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। भूगोल, जिसमें जो कि हमारे समाज विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने में बहुत गहरी भूमिका अदा करता है। भूगोल, जिसके माध्यम से हम मौसम तथा मौसम के बदलाव तथा भविष्यवाणी की बात करते हैं, भूगोल। दर्शन शास्त्र, जहां तर्क, चिंतन तथा चिंतन स्तर की गहनता को ध्यान में रखकर आगे हम किसी भी चीज की सृजनात्मकता की बात करते हैं, वो है दर्शन। दर्शन जिसमें कि हम कई विचारों तथा कल्पनाओं के आधार पर इतिहास की भूमिका लेते हुए, इतिहास से अपना नए बातों को सीखते हुए हम अपनी चिंतन शक्ति का विकास करते हैं, दर्शन शास्त्र। समाज शास्त्र जो समाज की व्यवस्था से सीधा सीधा संबंधित विषय है, इस विषय के अंतर्गत परिवार, नातेदारी, विवाह तथा अपने समूह तथा संगठन से किस प्रकार की व्यवस्था को बनाया जा सकता है, किस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है, वो आता है समाज शास्त्र में। इस प्रकार हम कहेंगे कि यह इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र का पुंज है, जिसे हम समाज विज्ञान कहते हैं। आप कहीं कहीं इस भ्रांति से परेशान होंगे कि कहीं कहीं हम सामाजिक अध्ययन को ले लेते हैं, कहीं कहीं पर हम सामाजिक विज्ञान को ले लेते हैं। इस चीज की चर्चा भी हम इसी कक्षा में करेंगे कि सामाजिक अध्ययन कहां यूज करेंगे हम और सामाजिक विज्ञान विषय हम कहां प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले यह आवश्यक है कि हम यह जानें, क्योंकि हम इस विषय को पढ़ रहे हैं, तो हम यह जानें कि सामाजिक अध्ययन का विकास सबसे पहले कहां हुआ, सामाजिक विज्ञान विषय आया कहां से। सामाजिक अध्ययन का विकास
माना जाता है कि पहली बार इस शब्द को प्रयोग लिया यूनानी दार्शनिक सुकरात ने। सुकरात ने सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग लिया और उसने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। यहां पर जिस गहरी बात को हम देखते हैं वो है भी, कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। वो तो शायद हम प्राकृतिक विज्ञान में भी कह सकते हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, ये बात सबसे पहले यूनानी दार्शनिक सुकरात अपनी बातों में लेकर आए। और उन्होंने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य के अध्ययन से यहां तात्पर्य इस बात से है कि मनुष्य तथा मनुष्य से प्रभावित जितनी बातें हैं उसका अध्ययन करना आवश्यक है, उसका अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन के लिए आवश्यक है। इसलिए, लेकिन उससे पहले सामाजिक अध्ययन शब्द कहीं आया नहीं था, उससे पहले सामाजिक अध्ययन कहीं हम मानते नहीं हैं, लेकिन हम इस बात की बात कर रहे हैं कि इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, सीक्वेंस वाइज ये विषय कहां से शुरू हुआ, और इसके इतिहास की हम बात कर रहे हैं। इसकी ऐतिहासिकता की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, ये बात सबसे पहले कही सुकरात ने, यूनानी दार्शनिक ने। आगे जाकर सुकरात के ही शिष्य प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सबसे पहले कहा प्लेटो ने कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य इस प्रकार संबंधित हैं कि इनको अलग ही नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट इन लोगों ने कोई भी सामाजिक विषय की बात नहीं कही, लेकिन इनकी बातों से ही निकल कर आया कि सामाजिकता किस प्रकार आवश्यक है, कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य इस प्रकार संबंधित हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा ईश्वर और प्रकृति दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, लेकिन उनका प्रभाव पड़ रहा है मनुष्य पर। प्रकृति का सीधा सीधा प्रभाव और प्रकृति को जो भोगता है, प्रकृति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है मनुष्य पर। तो प्लेटो ने यह माना कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। आगे चलकर प्लेटो और सुकरात के पश्चात प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने पहली बार कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह शब्द, यह लाइन ऐसी लाइन है जो इन्वर्टेड कॉमास में कोट की जाती है हर फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड की किताब से लेकर हर हायर क्लासेस की किताबों तक, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि जानवर एक सामाजिक प्राणी है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि कुत्ता एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी के सामने शब्द ही केवल आता है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य समूह में रहता है, मनुष्य संगठन में रहता है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम मनुष्यता की और सामाजिकता की उम्मीद भी केवल मनुष्य से करते हैं। तो पहली बार अरस्तु ने सामाजिक शब्द दिया, अरस्तु ने यह कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इन तीनों ने, सुकरात ने, प्लेटो ने और अरस्तु ने अपनी अपने संवादों में, अपने अपने कथनों में सामाजिकता की बात शुरू करी, कि कहीं ना कहीं इन्होंने आधार प्रदान किया आगे के लोगों को काम करने के लिए कि हमें न केवल प्राकृतिक विज्ञानों की ही बात करनी है, बल्कि हमें सामाजिक विज्ञानों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि हम केवल प्राकृतिक विज्ञानों की बात कर रहे हैं तो केवल हम आविष्कारों की बात करेंगे और हम केवल विध्वंसक तैयार करेंगे, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान किस प्रकार से समाज को प्रभावित करेंगे और उस प्राकृतिक चीजों का, उन प्राकृतिक शक्तियों का उपभोग करने की समझ एक मनुष्य में किस प्रकार से आएगी, इसका भी अध्ययन करना जरूरी है। इसी वजह से आप देखिए कि बाहर के देशों को सामाजिकता के अध्ययन की आवश्यकता ज्यादा पड़ी। बहुत ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात यह है कि भारत के संदर्भ में कहीं पर भी हमें सामाजिकता हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे मूल्यों में ही सामाजिकता संचित होती है। हमें ये चीज हमारे मूल्यों से ही दी जाती है कि सामाजिकता के गुण हमें पहले से दिए जाते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज में हम वो केवल आविष्कारों एवं वैज्ञानिकता के
सीमा तक ही बंधे हुए रहते हैं और उन चीजों का सामाजिक जीवन पर किस प्रकार प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ेगा, मुख्यतः दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसका ध्यान वो नहीं देते। इसलिए सामाजिकता तथा सामाजिक विषयों की पहल करने में भी आप ये देखिए कि बाहर के देशों ने ही सबसे पहले पहल करी। आधार प्रदान कर दिया था सुकरात ने, आधार प्रदान कर दिया था प्लेटो ने, आधार प्रदान कर दिया था अरस्तु ने। आगे चलकर सबसे पहले प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाएं इसलिए जरूरी थी क्योंकि हम छोटे लेवल से, क्योंकि हम कच्चे घड़े को ही कोई शेप दे सकते हैं, हम कच्ची मिट्टी को ही कोई शेप दे सकते हैं, तो प्राकृतिक कक्षाओं के लिए सबसे पहले यह विषय वस्तु को लेकर सामाजिक अध्ययन या हम कहें सामाजिक विज्ञान पद की सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य में सबसे पहले ये पद को शुरू करा, इस पद का नाम लिया सबसे पहले ब्रिटेन ने। यदि हम ये बात कहें, यदि ये पूछा जाए, यदि ये प्रश्न है कि सबसे पहले किस देश को सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान विषय को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो उसका उत्तर होगा ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने इसके लिए कार्य किया कि सामाजिक अध्ययन जैसा विषय भी होना चाहिए और इस विषय ये पद दिया और इसको प्रारंभिक कक्षाओं के लिए शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं से ही हमें बच्चे को सामाजिकता की भावना सिखानी पड़ेगी स्कूल में खेल खेल के माध्यम से। आगे देखें हम, ब्रिटेन ने जब 19वीं शताब्दी के मध्य में इसे इस पद को एक पद दिया कि ये पद होना चाहिए, ये एक टर्म दी, उसके पश्चात अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता था। और देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों देश ऐसे थे जिन्होंने सामाजिक अध्ययन के विषय के लिए बहुत कारगर कदम उठाए। तो सब ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने 1857 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल साइंस की स्थापना की, राष्ट्रीय संगठन सामाजिक अध्ययन के विकास के लिए। सामाजिक अध्ययन के विकास के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करी 1857 में कि हमें एक ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिए जो न जो प्राकृतिक विज्ञानों के आविष्कार के और इन सब चीजों के लिए तो हम बहुत संगठन बना रहे हैं और कैसे कैसे उसका विकास हो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक अध्ययन के लिए कैसा संगठन बने, सामाजिक अध्ययन के लिए कैसे काम करने चाहिए, इसके लिए अमेरिका ने प्रयास करे और एक संगठन 1857 में बनाया। इसके आगे 1865 में एक और संगठन की स्थापना हुई जिसे अमेरिकन सोशल साइंसेस एसोसिएशन कहते हैं, कि अमेरिका का सामाजिक अध्ययन का संगठन ये स्थापित करा। दो संगठन बने 1857 में और 1865 में। इन दो संगठनों ने मिलकर और सामाजिक अध्ययन को किस प्रकार एक विषय के रूप में, सामाजिक अध्ययन में किस किस चीजों के किन किन तत्वों का समावेश करना चाहिए, इन सब चीजों के लिए कदम उठाए। और इन संगठनों के माध्यम से क्या चीजें सामने आई, वो ये थी कि मानवीय संबंधों का अध्ययन सभी सामाजिक विज्ञानों का उत्तरदायित्व है। यहां सभी सामाजिक विज्ञान इसलिए लिए गए कि न केवल ये इतिहास का उत्तरदायित्व है, न केवल ये नागरिक शास्त्र का उत्तरदायित्व है, न केवल ये भूगोल का उत्तरदायित्व है, न केवल ये अर्थशास्त्र का उत्तरदायित्व है, बल्कि सभी सामाजिक विज्ञानों का उत्तरदायित्व है मानवीय संबंधों का अध्ययन करना। क्योंकि मानवीय संबंध जो है, मनुष्य का मनुष्य जो संबंध है, उसका प्रभाव सभी विषयों के आधार पर देखा जाता है। इतिहास से हम अपनी भूलों से सीखते हैं, भूगोल में हम भविष्यवाणी करना सीखते हैं, अर्थशास्त्र से हम अर्थ का किस प्रकार प्रयोग करेंगे उसको सीखते हैं, और नागरिक शास्त्र से हम अच्छी नागरिकता के विकास के बारे में सीखते हैं। तो मानवीय संबंध किस प्रकार हो, इसका अध्ययन करने के लिए हमें सारे सामाजिक विज्ञानों को उत्तरदायित्व ठहराना पड़ेगा। ये बात कही इन संगठनों ने, इन दोनों संगठनों ने ये बात कही। इसके अतिरिक्त इन संगठनों ने कहा कि समाज व मानव जीवन की क्रियाएं, समाज में क्या क्या हो रहा है तथा मानव जीवन में क्या क्या घटित होगा, इसकी क्रियाएं विविध सामाजिक विज्ञानों के लिए विषय वस्तु प्रदान करती हैं। कि समाज में तथा मानव जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो
विषय वस्तु देता है, कंटेंट देता है, अध्ययन सामग्री देता है, किसे? इन सभी सामाजिक विज्ञानों को। यदि हमारे साथ पूर्व में कुछ हुआ तो वो बन गया इतिहास, कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वो बन गया भूगोल, कुछ हम कुछ नया सजीव कुछ कर रहे हैं वो नागरिक शास्त्र में आ गया, और जो कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित है वो अर्थशास्त्र आ गया। तो देखिए दोस्तों, आप और हम रोज सुबह से लेकर शाम तक इन चारों विषयों का प्रयोग करते हैं, और इन चारों विषयों के बिना हमारा जीवन चल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इस विषय को मात्र ये समझते हैं कि यह विषय वो है जो केवल केवल किताबों में है, और किताबों में ही बंद करके हमें इसे रख देना चाहिए। अब ब्रिटेन के इन कार्यों के पश्चात, अमेरिका के इन संगठनों के पश्चात, संयुक्त राज्य अमेरिका को श्रेय दिया जाता है 1892 में इस विषय को विषय वस्तु के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए। ब्रिटेन ने तो केवल ये पद दिया कि ऐसा ये एक टर्म दी कि सामाजिक, क्योंकि उससे पहले किसी ने भी ऐसा कोई पद दिया ही नहीं था, ऐसी कोई बात कही नहीं थी कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। लेकिन अमेरिका ने ये संगठन करने के पश्चात, अमेरिका ने 1892 में अमेरिका ने इसे एक विषय वस्तु की मान्यता देकर, विषय वस्तु यानी कंटेंट यानी अध्ययन सामग्री की मान्यता देकर इसे विद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया कि इसे विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन एक विषय के रूप में शुरू किया जाए और विषय के रूप में पढ़ाया जाए, और सबसे पहले इसकी शुरुआत दोस्तों की गई प्रारंभिक कक्षाओं से, जैसे कि अभी हमने चर्चा करी। प्रारंभिक कक्षाओं में इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चों में इस चीज को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और सामाजिकता की भावना को खेल खेल के माध्यम से इन बच्चों में बहुत आसानी से संचित किया जा सकता है कि वो सामाजिकता अपने समूह में, अपने गुट में किस प्रकार से अपनी सामाजिकता की भावना को ले। आगे चलकर अमेरिका के पश्चात, अब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ऐसे देश थे जिन्होंने इसके लिए कार्य किया। अमेरिका के बाद अमेरिका ने इस को विषय के रूप में शुरू किया। बाद में 1911 में ब्रिटेन ने कमेटी ऑफ टेन का मतलब 10 लोगों का समूह, 10 लोगों की एक समिति बनाकर इसकी सिफारिशों में समाज शास्त्र को भी इसमें जोड़ा। उससे पहले समाज शास्त्र को इस विषय में नहीं जोड़ा गया था। समाज शास्त्र को केवल ये चार ही विषय, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, केवल ये चार ही विषय थे। लेकिन 1911 में ब्रिटेन ने कमिटी ऑफ टेन बनाकर, 10 लोगों का एक समूह बनाकर ये माना कि समाज शास्त्र को भी इस एक विषय के रूप में जोड़ देना चाहिए, और इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र व समाज शास्त्र, ऐसे मिलाकर 6 विषयों का पुंज यह विषय बना, 6 विषयों का समूह यह विषय बना। और केवल हम यह नहीं मानेंगे कि 4 विषयों को अलग अलग आधार पर हमने पढ़ लिया और हो गया सामाजिक विज्ञान। दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों का प्रभाव भी सामाजिक विज्ञान पर उतना ही जरूरी है जितना कि इन और 4 विषयों का, क्योंकि सीधे सीधे तर्क शक्ति, सीधे सीधे तर्कना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास दर्शन शास्त्र कर रहा है, और सामाजिकता की भावना सबसे ज्यादा विकसित कर रहा है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र यद्यपि हायर क्लासेस में पढ़ाए जाने वाला विषय है, लेकिन 1911 में कमिटी ऑफ टेन के द्वारा ब्रिटेन ने माना कि समाज शास्त्र को भी इस विषय के रूप में जोड़ देना चाहिए। आगे देखें दोस्तों, अब ये बातें तो हुई विदेशों के संदर्भ में कि विदेशों ने इसमें क्या क्या काम किया, जिसमें हमने देखा कि सुकरात ने शुरू करा, जिसने देखा कि हमने प्लेटो ने उसमें पद बोला, जिसने हमने देखा कि अरस्तु ने बात बोली, सबसे पहले शुरुआत की ब्रिटेन ने, उसके बाद श्रेय दिया जाता है अमेरिका को इसको एक सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन हम देखें कि भारत में इस संदर्भ में क्या हुआ। अब उस समय जब अमेरिका और ब्रिटेन इसमें काम कर रहे थे तो भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और भारत में वही व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था लागू थी जो बाहर के विदेशी जो अंग्रेज भारत पर जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने लागू कर रखा था, तो निश्चित रूप से उस चीज का प्रभाव भारत पर भी आया। और भारत के संदर्भ में सामाजिक अध्ययन के विकास को हम देखते हैं तो दो भागों में हम
इसका प्रभाव देखते हैं एक स्वतंत्रता से पूर्व एक स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत के संदर्भ में 1916 में अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक अध्ययन की शुरुआत की गई। उन्होंने 1916 में ये देखा कि सामाजिक अध्ययन विषय भारत के संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए। अचरज का विषय कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिकता भारत की भूमि में कूट कूट कर भरी हुई है, और लेकिन इसको एक सब्जेक्ट के रूप में कि सामाजिक विषय सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाए, तो 1916 से यह विषय एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया पाठ्यक्रम के रूप में माना गया कि इसे पढ़ाया जाना चाहिए। 1916 में ही कमिटी ऑन द सोशल स्टडी ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन एंड कमीशन सामाजिक अध्ययन की एक समिति बनी जो कि राष्ट्रीय शिक्षा संगठन और समिति निर्धारित की गई, जिसके की आधार पर 1916 में ही इसे एक स्वतंत्र विषय की मान्यता दी गई कि ये विषय ऐसा विषय हो कि जैसे कि हम यूं ना समझें कि ये जीरो पीरियड में पढ़ा दिया गया कि ऐसा विषय जिसको कि हम निरर्थक मान लें, लेकिन 1916 में ही एक कमेटी बनकर इस विषय को एक स्वतंत्र विषय बनाया गया कि स्वतंत्र विषय के रूप में इस विषय को लागू करना चाहिए। आगे जाकर 1921 में, अब ये हम स्वतंत्रता से पूर्व की क्रमिक व्याख्या देख रहे हैं, क्रमिक विकास देख रहे हैं कि किस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व क्रमिक विकास हुआ था जिसमें कि सामाजिक अध्ययन का को लागू किया गया। 1916 में इसे शुरू किया गया, 1916 में ही इसकी एक समिति आयोजित की गई जिसमें इसको स्वतंत्र विषय बनाया गया। उसके पश्चात 1921 में इसे एक राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय परिषद बनी जिसमें कि इसे इसके इस विषय की समन्वित रूप की समस्याओं की व्याख्या की गई। इस विषय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विषय समन्वित विषय है। समन्वित विषय है कि इंटीग्रेटेड विषय है, बहुत सारे विषयों का इसमें पुंज है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विषय इसमें है, इतिहास भी है, इसमें भूगोल भी है, इसमें नागरिक शास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है, और जो कुछ हम इसके इतिहास में जीवनियों को पढ़ रहे हैं उन जीवनियों का पुट हमें हिंदी में भी मिल रहा है। वो जीवनियां यदि हमने लैंग्वेज बदल कर यदि पढ़ी तो वो चीजें ही हमें संस्कृत में मिल रही हैं, वही चीजें हमें इंग्लिश में मिल रही हैं। तो यह विषय ऐसा विषय है, यदि भूगोल हम देख रहे हैं तो भूगोल साइंस देखा जाए तो वहां पर क्रमिक विकास और भविष्यवाणी की बात कर रहा है। तो यह विषय ऐसा है कि जो कि समन्वित विषय है और सम्मिलित विषय के रूप में इसको माना गया। तो इन 1921 में समन्वित विषय के रूप में इसको माना जाए, समन्वित विषय के रूप में इसकी घोषणा की जाए, उसकी सभी समस्याओं से उबरने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया। और 1934 में इस विषय को के लिए बहुत सारे इसके लिए तीव्र विकास होना शुरू हो गया 1934 से, और 1934 में इस विषय को एकीकृत विषय का स्वरूप प्रदान किया गया। अभी अभी अपन ने बात करी एकीकृत और समन्वित, एकीकृत विषय के रूप में इस विषय को स्वरूप प्रदान किया गया 1934 में। 1916 से काम शुरू हुआ, 1921 में एक राष्ट्रीय परिषद बनी, उस परिषद ने इस पर बैठकर काम किया और 1934 में इस विषय को एक एकीकृत इंटीग्रेटेड विषय के रूप में इस विषय को माना कि अब हम ये नहीं मानेंगे कि मैंने इतिहास पढ़ लिया काम खत्म, मैंने भूगोल पढ़ लिया काम खत्म, हमें ये चारों छहों विषय पढ़ने पड़ेंगे तभी सामाजिक अध्ययन एक विषय के रूप में माना जाएगा। आगे चलकर देखा जाए तो ये 1916 से लेकर 1934 का जो कार्यकाल था, 1934 तक की जो बात थी वो थी स्वतंत्रता से पूर्व की बात, स्वतंत्रता से पूर्व की अवस्था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद की बात यदि हम करते हैं तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जिसे श्रेय दिया जाता है कि सामाजिक अध्ययन शुरू कहां से हुआ, तो इसका श्रेय दिया जाता है मुदालियर कमीशन को। मुदालियर कमीशन 1952-53 में आया। मुदालियर कमीशन, मुदालियर श्री मुदालियर की अध्यक्षता में ये कमीशन स्थापित हुआ और इस कमीशन ने सबसे पहले अनिवार्य रूप से इस विषय की सिफारिश करी कि यह विषय सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाया जाना चाहिए 1952-53 में मुदालियर में। यदि हम ये बात करें, प्रश्न बनता है कि भारत में सामाजिक अध्ययन शुरू करने का श्रेय
किसे दिया जाता है, तो हम संदर्भ में कहेंगे मुदालियर कमीशन को इसका श्रेय दिया जाता है। यदि हम सामाजिक विज्ञान पद शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हम बात करेंगे ब्रिटेन को। पर सामाजिक अध्ययन शुरू किसने किया, तो हम बात करेंगे अमेरिका 1892। अब 1952-53 में मुदालियर कमीशन ने इसकी अनुशंसा करी, इसकी सिफारिश करी, और आगे जाकर 1955 में यह विषय विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा, यह विषय विद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में स्थापित कर दिया गया। और इस आयोग ने अनुशंसाएं की यानी सिफारिशें करी। इस आयोग ने कहा कि इसका एकीकृत स्वरूप हो, यानी जैसे कि पहले भी हमने बात करी कि राष्ट्रीय परिषद को स्थापित किया 1934 में, इसके लिए तीव्र विकास हुआ, तो उन्होंने कहा कि यह विषय अलग अलग विषयों का योग न माना जाए, यह विषय ऐसा नहीं माना जाए। बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जैसे अन्य प्राकृतिक विज्ञान थे जिनकी हमने बात करी, उसमें हम उस विषय को अलग रूप में पढ़ते हैं, फिर हमें दूसरे विषय का ज्ञान जरूरी है, लेकिन हम उस विषय को एक इंडिविजुअल उसकी अपनी पृथक स्वतंत्रता के आधार पर पढ़ते हैं। लेकिन सामाजिक अध्ययन ऐसा विषय है दोस्तों जो कि समन्वित तथा एकीकृत की बात करता है। यदि सामाजिक अध्ययन की हम बात करेंगे तो सामाजिक अध्ययन में एकीकृतता है, समन्वितता है, और एक सम्मिलित विषय के रूप में यह, तो मुदालियर कमीशन ने सबसे पहले अनुशंसा करी कि यह एकीकृत स्वरूप पर विषय का बल दिया, कि यह विषय एकीकृत स्वरूप के रूप में माना जाए। दूसरी बात इसने कही मुदालियर कमीशन ने कि सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित करने पर बल, कि सामाजिक पर्यावरण को व्यवस्थित करने पर बल। सामाजिक पर्यावरण से तात्पर्य एक व्यवस्था है प्राकृतिक पर्यावरण, एक है सामाजिक पर्यावरण। पर्यावरण यानी वातावरण, जो मेरे आसपास का जो वातावरण है जिससे मैं प्रभावित हो रही हूं और मेरी वजह से वातावरण प्रभावित हो रहा है, इसका अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन में बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि एकीकृत स्वरूप के साथ साथ हम सामाजिक पर्यावरण पर बल दें। इन अनुशंसाओं को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमें सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की, प्रकृति की, इसकी चर्चा हम आसानी से कर सकेंगे कि एकीकृत स्वरूप के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण पर बल देने की बात सामाजिक अध्ययन में मुदालियर कमीशन ने करी। इसके साथ साथ सामाजिक पर्यावरण में परिवार, समुदाय, राज्य तथा राष्ट्र के पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाए, कि सामाजिक पर्यावरण कि मनुष्य के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो उसका समाज है। तो अब समाज में सबसे पहली इकाई है उसका परिवार, परिवार के पश्चात समुदाय, समुदाय के पश्चात राज्य, राज्य के पश्चात राष्ट्र। तो इन सभी का अध्ययन करना भी सामाजिक अध्ययन के लिए जरूरी है, और सामाजिक अध्ययन में इन सभी का अध्ययन किया जाना चाहिए। एकीकृत स्वरूप है, सामाजिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण में परिवार, समुदाय, राज्य और राष्ट्र का अध्ययन, ये मुदालियर आयोग ने ये अनुशंसाएं दी, इन सभी का अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन में जरूरी है। अब प्रश्न ये बनता है कि कहीं कहीं हम सामाजिक विज्ञान विषय बोल रहे हैं, कहीं कहीं हम सामाजिक अध्ययन बोल रहे हैं, तो आखिर ये चीज है क्या और इस कंसेप्ट को हम कैसे देखें कि सामाजिक अध्ययन क्या है और सामाजिक विज्ञान। तो इसके लिए आइए दोस्तों हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन इन दोनों पदों में अंतर क्या है। दोनों ही मूलतः अपने मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक अध्ययन भी मानवीय संबंध का अध्ययन कर रहा है, तो सामाजिक विज्ञान भी मानवीय संबंधों का अध्ययन कर रहा है, किंतु विषय की गहनता एवं गहनता स्तर, लेकिन दृष्टिकोण के आधार पर इनमें अंतर है। गहनता स्तर यानी उसकी जटिलता कि उसको समझने की बात, लेकिन साथ ही दृष्टिकोण कि हम उसके आधार पर कैसा बनने की कोशिश करते हैं। दृष्टिकोण सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है आपकी अभिवृत्ति को, आपके एटीट्यूड को, कि आप कैसा बनना चाहते हैं, आप कैसा होना चाहते हैं, और एटीट्यूड प्रभावित करता है आपके विचारों को, एटीट्यूड प्रभाव करता है आपकी सोच को। तो दृष्टिकोण गहनता स्तर तथा दृष्टिकोण के आधार पर दोनों में अंतर है, विषय की गहनता के आधार पर, बाकी ज्यादा अंतर इनमें नहीं है। देखें हम इसमें कि सामाजिक विज्ञान जो विषय है वो ऐसा विषय है जो उच्च कक्षाओं में काम आ रहा है, उच्चतर कक्षाओं के लिए, कि सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ तक
जो विषय जो हम देख रहे हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आए। लेकिन यदि हम नवीं दसवीं की बात करते हैं, नवीं दसवीं कक्षा से ही यदि हम आरंभ करते हैं, तो वहां पर जो शब्द आ जाएगा वो है उस विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान। आप सिंपल सा देखें कि हम नवीं दसवीं की कक्षा में जब किताब उठाकर देखते हैं तो उस किताब का नाम होता है सामाजिक विज्ञान पार्ट वन, सामाजिक विज्ञान पार्ट टू। लेकिन यदि हम सिक्स सेवन्थ एट्थ तक रहते हैं तो उस किताब के ऊपर लिखा होता है सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन या सामाजिक अध्ययन या पर्यावरणीय अध्ययन। तो उच्चतर कक्षाओं के लिए जो प्रयोग आ रहा है वो है सामाजिक विज्ञान। वहीं दूसरी तरफ निम्न कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए जो प्रयोग आ रहा है वो है सामाजिक अध्ययन। अंतर बहुत गहरा नहीं, लेकिन केवल गहनता का अध्ययन कि वो उच्चतर कक्षाओं के लिए है और सामाजिक अध्ययन छोटी कक्षाओं के लिए है। आगे देखते हैं कि विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च, निश्चित रूप से जब उच्चतर कक्षाओं के लिए काम आ रही है चीज तो उसका बौद्धिक स्तर भी उच्च होगा। बौद्धिक स्तर जैसा आप सब समझते हैं कि उसके सोचने समझने की और उसको ग्रहण करने की चीज, वो बौद्धिक स्तर उच्च है उच्च कक्षाओं की वजह से, और इसी वजह से उच्च बौद्धिक स्तर है इसी वजह से उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो बौद्धिक स्तर उच्च होने की वजह से वो सामाजिक विज्ञान है और विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर कम है। यहां पर केवल हम सामाजिकता के गुण की बात करते हैं, लेकिन इस गुण को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए, इस गुण से एक चीज को सीखकर हम दूसरी चीज कैसे सीखें, ऐसी बात हम सामाजिक विज्ञान से अपेक्षा करेंगे। लेकिन यहां पर केवल हम ये बात करेंगे कि अच्छी आदतों का विकास कैसे हो जाए, वो बात हम सामाजिक अध्ययन से करेंगे, वो बात हम सामाजिक विज्ञान से नहीं कर सकते। वो हम ये अंडरस्टूड मानते हैं कि नवीं दसवीं का स्टूडेंट है, नवीं दसवीं में है तो उसको ये चीज समझ होगी। आगे चलकर हम देखें तो अध्ययन इसका, जैसे कि उच्चतर कक्षाओं में है तो इसका अध्ययन वयस्कों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए है, क्योंकि बड़े बच्चों को सामाजिकता एवं आदतों का विकास हम यूं मानकर चलते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रारंभिक कक्षाओं से ही माना है इस विषय को, तो हम ये मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में इन चीजों का, इन छोटी छोटी बातों का बच्चे में विकास हो चुका होता है, तो इसका अध्ययन वयस्कों के लिए है। जबकि सामाजिक अध्ययन का अध्ययन जो है वो विद्यालय विद्यार्थियों के लिए है, कि विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए इसमें किया जाता है। और छोटे बच्चों में हम सामाजिकता के साथ साथ अच्छी आदतों का विकास किस प्रकार करें, इसका अध्ययन हम सामाजिक अध्ययन के माध्यम से मानते हैं। और तीनों ही चीजें, तीनों ही पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से आंतरिक संबंधित है, कि उच्चतर कक्षाएं हैं बौद्धिक विकास उच्च है अध्ययन वयस्कों के लिए है, छोटी कक्षाएं हैं विषय वस्तु कम है विद्यालय विद्यार्थियों के लिए है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। क्षेत्र से तात्पर्य उसके विस्तार से है। क्षेत्र का मतलब उसका स्कोप कैसा है, उसका विस्तार किन किन चीजों को प्रभावित कर रहा है। तो इसका जो सामाजिक विज्ञान है वो अनुसंधान से संबंधित है, अनुसंधान यानी रिसर्च, री प्लस सर्च, कि हम जो चीज खोजी गई उससे भी आगे कुछ नया खोज रहे हैं। तो निश्चित रूप से अनुसंधान की अपेक्षा आप उच्चतर कक्षाओं से ही कर सकते हैं, वयस्कों से ही कर सकते हैं। अनुसंधान की बात करता है, विस्तृत क्षेत्र है इसका, बात कर रहा है सामाजिक विज्ञान। लेकिन इसी तरफ जब हम सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र संकुचित है, संकुचित है। ये केवल आदतों के निर्माण की बात कर रहा है। इतिहास में यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बच्चों को केवल उनकी प्रेरक प्रसंगों के बारे में, उनकी जीवनियों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे युद्ध लड़े, इन सब की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज का विस्तृत क्षेत्र जब हो जाएगा तो उनकी विजय से, उनकी युद्धों से किस प्रकार का परिणाम पड़ा और उस परिणाम को आज के संदर्भ में हम यदि लागू करें तो किस प्रकार उस चीज से सीख सकते हैं। तो ऐसा जो प्रयोगात्मक और ज्ञानोपयोग की बात करेंगे वो हम अनुसंधान की बात जो करेंगे वो हम सामाजिक विज्ञान में करेंगे। लेकिन जहां केवल हम चीज को, विषय वस्तु का ज्ञान देने की बात करेंगे वो सामाजिक अध्ययन में। तो दोस्तों मैं मानती हूं कि आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा और ये दोनों चीजें शायद आप इन दोनों को एक जैसा महसूस नहीं कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि केवल गहनता स्तर और दृष्टिकोण का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और ये अंतर बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि
बार बार ऐसे वर्ड बार बार आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, और बार बार वर्ड आ रहा है सामाजिक अध्ययन, कहीं कहीं सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान माना जा रहा है, कहीं कहीं सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन माना जा रहा है, तो इनकी गहनता स्तर में जो छोटा सा अंतर है, जो इसके दृष्टिकोण में अंतर है, उसको समझना जरूरी है। आगे जैसा कि इसके क्षेत्र विस्तृत है तो निश्चित रूप से ये सैद्धांतिक भी अधिक है कि इसमें हम थियरी पार्ट को ज्यादा पढ़ते हैं कि हम क्योंकि बड़ी कक्षाओं की बात कर रहे हैं तो बड़ी कक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रयोग करके इस चीज को बताएं हम, और कहानी को फेशियल एक्सप्रेशन से टीचर बताए या किसी चीज को बादल कैसे बन रहे हैं और वर्षा किस तरह से हो रही है उस चीज को ना बताकर उसको सैद्धांतिक रूप में पार्ट को जल्दी खत्म करने के हिसाब से एक सैद्धांतिकता ज्यादा है क्योंकि उच्चतर कक्षा है और क्षेत्र विस्तृत है और बालक है तो हम इसको अधिक सैद्धांतिक मानते हैं सामाजिक विज्ञान को। उसी तरफ यह विषय अधिक व्यवहारिक है क्योंकि इसकी व्यवहारिकता इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसको प्रयोग करते हैं, हम इसको एप्लीकेशन बेस्ड मानते हैं कि यदि हमने बच्चे को सम्राट अशोक पढ़ाया तो हम बच्चे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सम्राट अशोक से क्या सीख रहा है। तो यह सामाजिक अध्ययन जो है वह व्यवहारिक विषय अधिक है। और जो इसमें अंतर है वो है मुख्य तत्व जो है विद्वता तथा सामाजिक उपयोगिता। विद्वता तो जरूरी है ही है क्योंकि विद्वता नहीं होगी तो बड़ी कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाएगा, सैद्धांतिक है इसलिए विद्वता है। और देखिए अनुसंधान से आपने इसे जोड़ दिया तो ये विद्वता की बात तो करेगा ही करेगा। और सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता तो सामाजिक विज्ञान की भी उतनी ही है जितनी की सामाजिक अध्ययन की, क्योंकि सामाजिक उपयोगिता है इसी वजह से इस विषय को सामाजिक तथा मानवीय संबंधों के साथ जोड़ा गया, अदरवाइज इस विषय को सामाजिक तथा मानवीय संबंधों के साथ जोड़ा नहीं जाता। तो सामाजिक उपयोगिता इसकी है लेकिन साथ ही साथ विद्वता भी इसमें जुड़ी हुई है क्योंकि बिना विद्वता के हम उस चीज को यूं मानेंगे कि शायद ये तो बच्चों की कहानियां हैं, और बच्चों की कहानियां जैसे कि नैतिक शिक्षा समझ लें और हम नैतिक शिक्षा समझकर उस चीज को खत्म कर दें, लेकिन विद्वता है इसलिए हायर क्लासेस में इसको पढ़ाया जा रहा है। उसी दूसरी तरफ जब हम सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व जो है वो है निर्देशात्मक उपयोगिता। निर्देशात्मक उपयोगिता उपयोगी है, उसको उपयोगी हम समझ रहे हैं, उपयोगी भी है, लेकिन यहां पर तो विद्वता के साथ वो खुद उसका पालन कर रहा है, उसकी सामाजिक उपयोगिता को समझ रहा है। लेकिन यहां पर सामाजिक अध्ययन में क्योंकि कक्षाएं छोटी हैं, निम्न वर्ग है, छोटे बच्चे हैं, तो वहां पर निर्देश दे रहा है कौन? शिक्षक। जिस प्रकार का वो बच्चे को सिखाने का प्रयास करेगा, जिस प्रकार का वो बच्चे को निर्देश देगा, बच्चा उसी प्रकार उसी रूप में उस उपयोगिता को, उस विषय की उपयोगिता को अपने जीवन में लागू करेगा। तो सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों पद एक जैसे होते हुए भी इन दोनों पदों में छोटा सा अंतर है, जिसको सीधा सीधा यदि देखें तो हम छोटी कक्षाओं और बड़ी कक्षाओं के अंतर से समझ सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जब छोटी कक्षाएं होंगी तो विद्वता भी कम होगी, आयु भी कम होगी, समझ भी कम होगी, और कहीं ना कहीं निर्देश ही निर्देश ज्यादा होंगे। निर्देश अनुदेशन, कि अनु पीछे, देशन यानी दिशा, की कोई हमें पीछे पीछे बता रहा है वैसा वैसा हम काम कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहा है। और लेकिन यदि हम सामाजिक विज्ञान की तरफ देखें तो बड़ी कक्षाएं हैं तो निश्चित रूप से विद्वता भी ज्यादा होगी, क्षेत्र भी विस्तृत होगा, अनुसंधान भी कर सकते हैं, और हम इस चीज में बौद्धिक स्तर भी उच्च माना जाएगा। ये दोनों विषयों में अंतर। आगे जाकर जब हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन की जो संकल्पना है, सामाजिक अध्ययन की जो अवधारणा है वो क्या है, कॉन्सेप्ट यानी उसका संप्रत्य क्या है, कि इस विषय के आधार पर हम अपनी धारणा क्या बनाएं, इस विषय के आधार पर हम क्या माने। जैसे हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़कर हम ये मानते हैं कि मुझमें साहित्य के प्रति रुचि पैदा होगी, यदि मैं गणित पढ़ रही हूं तो मुझे तार्किक चिंतन तथा गणितीय योग्यता का विकास होगा, यदि मैं विज्ञान पढ़ रही हूं तो मुझमें वैज्ञानिकता की बात तथा वैज्ञानिक अध्ययन का विकास होगा, यदि मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूं तो मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा। लेकिन सामाजिक अध्ययन को पढ़ने की क्या अवधारणा है, सामाजिक अध्ययन को पढ़ने की क्या संकल्पना है, या इसके पीछे
क्या सोच समझी जाती है कि सामाजिक दिन क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसके प्रति दृष्टिकोण। तो संकल्पना में, अवधारणा में और संप्रत्य में, ये सब चीजें, तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हम क्या माने, क्या धारणा है मेरी, क्या दृष्टिकोण है। तो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा के आधार पर सबसे पहले फॉरेस्टर एक समाजशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है, इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है और इसका मुख्य लक्ष्य बालकों को अपने चारों ओर से संसार को समझने में सहायता देता है। बहुत सुंदर बात कि हम बालकों को अपने चारों ओर के संसार को समझने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। कि जहां वसुधैव कुटुंबकम की आप बात करते हो कि वसुधैव, सारी वसुधा मेरा कुटुंब है, तो वो चीज आएगी कहां से? वो चीज ये आएगी कि मैं स्व से निकलूं, मैं खुद से निकलूं। जबकि होता क्या है कि मैं केवल मेरे लिए पढ़ रही हूं, मेरे लिए पढ़ रही हूं, लेकिन मेरे अतिरिक्त इस चीज को मैं अपने से निकलकर जब मैं किसी और परिप्रेक्ष्य में देख रही हूं, मैं ये देख रही हूं कि मेरे अतिरिक्त दूसरे और व्यक्ति को क्या ज्ञान है, मेरे अतिरिक्त इस व्यक्ति के बारे में मैं समझूं, इस व्यक्ति के बारे में मैं सोचूं, इस व्यक्ति के बारे में मुझे अध्ययन होना चाहिए, या राज्य का मुझे अध्ययन होना चाहिए, राष्ट्र का अध्ययन होना चाहिए, राष्ट्र के बाद मैं विश्व की चर्चा करूं, तो सारे संसार को समझने के लिए जो सहायता प्रदान करता है, ऐसा विषय यह सामाजिक अध्ययन विषय है। आगे चलकर फॉरेस्टर कहते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ ताकि उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सके। बहुत अच्छी बात कि सामाजिकता के साथ साथ यह जरूरी है कि नागरिक कैसा बने, उत्तरदायित्वपूर्ण, कि मुझे मेरे अधिकारों के साथ साथ मेरे कर्तव्यों का भी बोध हो, उत्तरदायित्व समझूं मैं अपना, अपने देश तथा अपने राष्ट्र के प्रति। ये बात कर रहा है सामाजिक अध्ययन, और ये परिभाषा दी फॉरेस्टर ने कि समाज का अध्ययन है, सामाजिकता प्रदान कर रहा है, और समाज के अध्ययन के साथ साथ ये संसार को समझने की प्रयास करता है, और संसार को समझकर सभी तरफ हम देखकर ये मानते हैं कि मैं उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक कैसे बनूं। क्योंकि उत्तरदायित्वपूर्ण जो नागरिक बनेगा वो अपने इतिहास की रक्षा भी करेगा, वो अपने भूगोल को भी समझेगा, वो नागरिक अच्छा बनकर अपनी राजनीति को भी अच्छा रखेगा, और निश्चित रूप से वो अपनी अर्थव्यवस्था को भी संवारेगा। तो उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बनना ज्यादा जरूरी है। आगे चलकर एमपी मुफात कहते हैं कि जीने की कला बड़ी सुंदर कला है और इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही होता है। जीने की कला, जीने की कला इज लाइफ स्किल, कि हम जीवन कौशल, कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे हम जिए। क्योंकि सुंदर जीवन का तात्पर्य है कि मैं तो खुश हूं ही, लेकिन मेरे से संबंधित लोग भी खुश हों और मेरे द्वारा भी लोग खुश हों। यह है लाइफ स्किल, अच्छा जीवन जीने की कला। एमपी मुफात ने बहुत सुंदर बात कही कि सुंदर जीवन जीने की कला ही सामाजिक अध्ययन है, और सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही हम अच्छा जीवन किस प्रकार जिए इसकी हम बात करते हैं। आगे जाकर जब हम इसकी अवधारणाओं को, ये तो थी दो परिभाषाएं जिसमें फॉरेस्टर ने कहा कि सामाजिक अध्ययन ऐसा अध्ययन है जो समाज का और उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बनाने की बात कर रहा है, एमपी मुफात इसे सुंदर जीवन जीने की बात करते हैं। लेकिन हम यदि इस अवधारणा को देखें तो इसका क्या अवधारणा है, इसके पीछे क्या धारणाएं मानी गई हैं, कि सामाजिक अध्ययन को मानने के पीछे क्या लोगों की धारणा है कि कैसा ये विषय है। अवधारणा का मतलब कैसा ये विषय है, किस इस विषय के बारे में क्या मानते हैं। तो मानवीय संबंधों का अध्ययन, इसकी पहली अवधारणा यह है कि यह विषय मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। बार बार हमने ये शब्द शायद बार बार हमारे इस कक्षा में आया कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। मानवीय संबंधों के अध्ययन से तात्पर्य यह है कि हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं, मानव के शरीर का अध्ययन कर रहे हैं, वो बात हो गई विज्ञान की, लेकिन मानव का मानव के साथ कैसा संबंध है, मानव यदि कुसमायोजित है किसी से, अपने परिवार से, पहली उसकी पाठशाला या पहली उसकी सीढ़ी उसका परिवार है, तो यदि वो अपने परिवार से कुसमायोजित है
और फिर यदि बाहर जाकर सामाजिकता की बात करता है तो वो भी गलत है। तो सबसे पहली चीज है कि मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाए, कि मानवीय संबंध जो है एक मनुष्य के उसके परिवार के साथ, एक मनुष्य के परिवार के बाद उसके विद्यालय में, उसके समाज में, उसके अड़ोस पड़ोस में, उसके राज्य में, उसके जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर, राज्य के बाद स्थिति आती है राष्ट्र की। जब उसके मानवीय संबंध जो है वो यदि सुदृढ़ है राज्य और राज्य के स्तर पर, तब वो पर्सनालिटी आप देखेंगे, जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो व्यक्तित्व आपने एक चीज पढ़ी होगी, पर्सनालिटी एक तत्व पढ़ा होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो कि मानवीय संबंधों में बहुत उजागर है, मानवीय संबंध जिनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं और समायोजित है, वो व्यक्ति नेताओं की श्रेणी में, वो व्यक्ति दार्शनिकों की श्रेणी में, वो व्यक्ति वैज्ञानिकों की श्रेणी में आते हैं और नरेंद्र मोदी जी उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ऐसे व्यक्ति जो मानवीय संबंधों को मानते हैं, तो सामाजिक अध्ययन सीधा सीधा यदि हम धारणा की बात करते हैं तो सामाजिक मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। आगे देखते हैं हम कि प्रभावशाली नागरिकता के निर्माण में सहायक, जैसे कि फॉरेस्टर ने कहा कि उत्तरदायित्व नागरिक तैयार करते हैं, कि उत्तरदायित्व नागरिकता प्रदान करना ही सामाजिक अध्ययन है। तो प्रभावशाली नागरिकता के निर्माण में सहायक जो है वो है सामाजिक अध्ययन, कि हम ये मानते हैं कि सामाजिक अध्ययन बालक में प्रभावशाली नागरिकता। अब अच्छी नागरिकता क्या है? अच्छी नागरिकता ये है कि मैं मेरे अधिकारों के साथ साथ मेरे कर्तव्यों का पालन भी करूं। मैं इस मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरी यदि मैं ये चाहती हूं कि मैं इन इन चीजों की मेरी डिमांड है, इन इन चीजों की मेरी मांग है, तो मैं इस मांग को ये मानूं कि यदि मैं इन मांगों को मान रही हूं तो ये मांगें किसी और की भी हो सकती हैं, तो उसकी मांगों का भी मैं उतना ही ध्यान रखूं, उसके उसके विचारों का और उसकी भावनाओं का भी मैं उतना ही ध्यान रखूं। तो एक अच्छा नागरिक वो जिसे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध हो तथा जो अपने राज्य एवं राष्ट्र के प्रति पूर्ण वफादारी रखे, अपने राज्य एवं राष्ट्र के भले बुरे का जिसमें पूरा ध्यान हो, मनोयोग हो, वो उत्तम और प्रभावशाली नागरिकता के निर्माण में सहायक है। आगे जब हम बात करते हैं तो आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायक जो है वो धारणा ये मानी जाती है कि सामाजिक विज्ञान की ये धारणा है कि आधुनिक सभ्यता का विकास, सभ्यता एवं संस्कृति दो शब्द होते हैं। सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर दोस्तों ये है कि सभ्यता लुप्त और विलुप्त होती है। सभ्यता लुप्त हो गई, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, वो विलुप्त हो गई। उन्हें पता चले कि अभी मैं बैठे और बैठे बैठे अचानक कुछ ऐसा आपदा आए और हम यहीं धाराशायी हो जाए, और तो वो सभ्यता लुप्त और विलुप्त होती है। सभ्यता बनती भी है, सभ्यता लेकिन संस्कृति एक ऐसी संचालित व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो हस्तांतरित होती है हमारे व्यवहारों से, हमारे रीति रिवाजों से, और हम जिस प्रकार की मान्यताएं रखते हैं अपनी परंपराओं के आधार पर संस्कृति आगे प्रवाहित होती है। यूं कहें हम कि संस्कृति दो देशों की, तो संस्कृति को हम यूं नहीं कह सकते कि संस्कृति एक ही है, दो देशों की संस्कृति अलग अलग हो सकती है, दो देशों की छोड़िए आप दो राज्यों की संस्कृति अलग अलग हो सकती है, दो राज्यों की क्या दो परिवारों की संस्कृति अलग अलग हो सकती है। तो संस्कृति प्रभावित करती है सभ्यता को, और सभ्यता आधुनिक सभ्यता का विकास किस प्रकार से हो, आधुनिक सभ्यता का विकास हम किस प्रकार से करें। आधुनिक सभ्यता यदि मान लीजिए कि मैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम यूं मानते हैं कि हमारे पुराने समय में ये चीजें ऐसी हैं कि जो बदल देनी चाहिए, जो आगे और इनको प्रभावित रूप में और आगे लागू करना चाहिए, तो आधुनिक सभ्यता का विकास करने में भी सहायक है सामाजिक अध्ययन। आगे जब हम बात करते हैं तो लोकतांत्रिक गुणों का विकास, लोकतांत्रिक गुणों का विकास करता है सामाजिक अध्ययन। लोकतांत्रिक गुणों की प्रजा का प्रजा में, प्रजा के लिए शासन, लोकतांत्रिक, लेकिन लोकतांत्रिक से यहां यह है कि मैं मेरी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उतना ही ध्यान रखूं।
अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि प्रभावशाली नागरिकता ये कि मेरे अधिकारों के साथ दूसरे कर्तव्यों का भी ध्यान रखूं, वो भी उतना ही जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ लोकतंत्र की बात कर रही है, बात हो रही है, तो मैं स्वतंत्रता की बात हो रही है, यहां पर स्वच्छंदता नहीं है लेकिन यहां पर बात है स्वतंत्रता की, क्योंकि मुझे मेरी बात को कहने का अवसर मिले, मुझे मेरी बात को व्यक्त करने का अवसर मिले, साथ ही साथ मुझे यदि मेरी बात को व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है, मेरी बात को कहने का अवसर मिल रहा है, तो मैं दूसरे की बात को भी उतने ही तरीके से समझूं। अब देखिए ये चीजें यदि देखा जाए तो प्रभावशाली नागरिकता और लोकतांत्रिक गुण सीधे सीधे नागरिक शास्त्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नागरिक शास्त्र में जब हम राजनीति का अध्ययन करते हैं तो प्रभावशाली नागरिकता और लोकतांत्रिक गुणों का विकास करते हैं। लेकिन यदि इसको नॉर्मल और एक जनरल फिनोमेना में बात करी जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए, भले वो नागरिक शास्त्र ना पढ़े, भले वो हिंदी ही पढ़ता हो, लेकिन इन दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रजातांत्रिक जो गुण है वो हमें एक यूं कहें कि हमें यूं महसूस कराते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, और लोकतांत्रिक गुण जो हैं वो हमारी स्वतंत्रता के साथ, दूसरे की स्वतंत्रता के साथ हमें सभ्य बनाते हैं, कि मैं मेरी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी स्वतंत्रता की महसूस कराऊं। जैसे छोटा सा उदाहरण है कि यदि हम पांच जने बैठकर बोल रहे हैं, कोई संवाद कर रहे हैं, तो मैं केवल मैं ही मैं बोले जाऊं और सामने वाले व्यक्ति की सुनूं ही नहीं, तो यूं माना जाएगा कि मैंने मेरी बात करने की, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता तो रखी, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति की बात और विचार करने की स्वतंत्रता का हनन किया। तो लोकतांत्रिक गुणों का विकास हर कॉन्सेप्ट में जरूरी है। यदि हम सड़क पर चल रहे हैं तो भी हमें ये ध्यान देना है कि हम कोई ऐसी गंदगी ना फैलाएं, कुछ नहीं करें। यदि हम ट्रेन में जा रहे हैं तो लोकतांत्रिक गुण का विकास वहां भी देखा जाता है कि यदि सामने वाले को ट्रेन की विंडो ओपन नहीं करनी तो मैं ये ध्यान रखूं कि मैं उसकी स्वतंत्रता का भी ध्यान रखूं। तो लोकतांत्रिक गुणों का विकास सामाजिक अध्ययन बताता है। आगे हम जब इसकी अवधारणाओं को देखते हैं तो मानव का अध्ययन, रहन सहन, खान पान तथा संस्थाओं का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, कि मानव का हम अध्ययन कर रहे हैं, मानव किस प्रकार से रह रहा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस प्रकार का खान पान है उसका, किस प्रकार का खान पान कर रहा है, और साथ ही साथ वो अपने परिवार के अतिरिक्त अन्य समुदायों के साथ किस प्रकार का जीवन जी रहा है, किस प्रकार का जीवन यापित करता है, वो भी इस सामाजिक अध्ययन की ही अध्ययन के अंतर्गत आता है। इस सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही हम इसको समझते हैं। आगे चलकर वातावरण से संघर्ष का अध्ययन। अब हम यदि समाज में रह रहे हैं तो केवल अच्छा ही अच्छा, हम यूं माने कि सब सामाजिकता ही सामाजिकता हो रही है और सामाजिकता में कुछ भी कुसमायोजित स्थिति नहीं है, ऐसा हम नहीं मान सकते। तो हम वातावरण से संघर्ष किस प्रकार कर रहे हैं? वातावरण से संघर्ष यहां पर लड़ाई से नहीं है, वातावरण से संघर्ष का तात्पर्य है कि हम बेहतर जीवन जीने के लिए किस प्रकार अपने ही आप से, अपने ही व्यवस्थाओं से किस प्रकार लड़ते हैं, या हम उनका किस प्रकार से सामना करते हैं, विपरीत परिस्थितियों का हम किस प्रकार सामना करते हैं, ये चीज हमें सिखाता है सामाजिक अध्ययन, कि अपने वातावरण से संघर्ष कीजिए। लड़ाई करना यहां उद्देश्य नहीं है, संघर्ष कि उसी चीज से हम आगे अपनी ही चीजों से किस प्रकार सीख रहे हैं। आगे चलकर समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक जीवन पर वैश्विक घटनाओं के प्रभाव को समझने में भी यह विषय सहायक है। समसामयिक यानी जो कि चीजें तात्कालिक हो रही हैं, जो कि रोजमर्रा जो परिवर्तन हो रहे हैं, भले वो इतिहास में है, भले वो कोई चीज नागरिक शास्त्र में है, भले वो भूगोल में है, भले अर्थशास्त्र में, जिस प्रकार के तात्कालिक घटनाएं हो रही हैं, साथ ही साथ वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य के वर्ल्ड फ्रेम में वो चीजें किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं, उसका अध्ययन भी करने में सहायक है यह विषय। यह विषय हमें वसुधैव कुटुंबकम, जैसे कि हम बात कर रहे थे, कि उस तक पहुंचाता है कि हम स्व से निकलकर दूसरे
राज्य राष्ट्र तक पहुंचने की बात करते हैं, तो यह विषय हमें ऐसी चेतना देता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेल्सन मंडेला, ये सभी ने क्रांति करी अपने देश में इसी वजह से कि क्योंकि ये अपने देशों से निकलकर दूसरे देशों में जाकर इन्होंने देखा कि वहां के लोग इस प्रकार क्रांति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए इस प्रकार लड़ रहे हैं, तो वैश्विक परिदृश्य प्रदान करता है यह विषय। यह विषय हमें बताता है कि हमारी केवल जो छोर है वो केवल अपने कूप मंडूक या कहें कि कुएं के मेंढक तक सीमित नहीं है, हमें आगे भी अपनी परिधियों को तोड़ना पड़ेगा और अपनी परिधियों के आगे भी हमें जाना पड़ेगा। आगे जब हम देखते हैं तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र, क्षेत्र का तात्पर्य है विस्तार, कि हम विस्तार कह दें, हम किसी चीज का प्रसार कह दें, हम किसी प्रसार के प्रभाव को भी देख लें, क्योंकि प्रभाव यदि किसी चीज पर हो रहा है तो उसका प्रसार होगा, उसका विस्तार होगा, और ये चीज हमें देखते हैं हम क्षेत्र के माध्यम से। यदि हम क्षेत्र की बात करते हैं, और अंग्रेजी में उसे कहेंगे हम स्कोप, कि उसका स्कोप कहाँ कहाँ है, कि कहाँ कहाँ हम देखें कि सामाजिक अध्ययन कहाँ कहाँ हमें काम आ सकता है, और स्कोप के यदि सीधे सीधे हम यदि विस्तार को ना समझें, प्रसार को ना समझें, यदि हम प्रभाव को ना समझें, तो सीधे सीधे हम ये बात करते हैं कि इसका स्कोप और कहाँ कहाँ है, कि यदि मैं ये विषय पढ़ रहा हूं तो ये विषय क्या केवल मुझे चुपचाप उंगली रखकर मुंह पर और ऐसा व्यक्ति बनाएगा, किसका स्कोप और क्या है, इसकी बात यदि हम आगे करते हैं तो इसका, जैसे कि पहले भी हमने देखा और चर्चा करी इसकी, कि यह चीज है इसका क्षेत्र व्यापक है। व्यापक इसलिए है क्योंकि हमने देखा था कि जब हम 1921 की राष्ट्रीय परिषद की बात कर रहे थे तो ये एक समन्वित विषय के रूप में माना गया, और इस समन्वित विषय के रूप में माना गया तो ये इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका क्षेत्र व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें इतिहास है, इसमें भूगोल है, इसमें अर्थशास्त्र है, इसमें नागरिक शास्त्र है, इसमें समाज शास्त्र है, और इसमें दर्शन शास्त्र है। तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है कि हम ऐसा नहीं मान सकते कि एक चीज है, तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, ब्रॉड एस्पेक्ट है कि हमको बहुत सारी चीजें हैं, तो इसकी सबसे बड़ी ही इसका गुण यह है कि ये व्यापक क्षेत्र का विषय है। आगे जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें उत्तम नागरिकता की शिक्षा पर बल, कि केवल ये विषय ऐसे नहीं कि किताब में मैंने पढ़कर उसको बंद कर दिया और मैंने रख दिया, जब एग्जाम में उसका क्वेश्चन आएगा तो मैंने वो आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं। उत्तम नागरिकता की शिक्षा, तो आप ये देखिए कि सैद्धांतिकता के साथ साथ ये व्यवहारिक भी है, कि सैद्धांतिक मैंने उत्तम नागरिकता पढ़ी लेकिन उत्तम नागरिकता मेरे व्यवहार में किस प्रकार आई, मैं ये तो देखूं कि वो व्यवहार रूप में मेरे में उत्तम नागरिकता किस प्रकार आ रही है, यदि मैं वास्तव में कुछ बोल रही हूं वैसा का वैसा मेरे व्यवहार में परिलक्षित भी हो रहा है कि नहीं। उत्तम नागरिकता के गुणों पर बल और उत्तम नागरिकता की शिक्षा पर बल देता है यह विषय। आगे आधुनिक समस्याओं, तात्कालिक घटनाओं तथा समसामयिक मामलों को स्थान दिया जाता है इसमें। इसमें अभी हमने इसकी अवधारणाओं में भी इसको पढ़ा था कि आधुनिक जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी आधुनिक समस्याएं बन गई, वो सभी सामाजिक अध्ययन का विषय बन जाती हैं। कि यदि साइंस में किसी भी प्रकार का कोई आविष्कार करा, निर्माण शब्द शायद विज्ञान के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो निर्माण यदि हमने नहीं किसी चीज का आविष्कार किया और वो आविष्कार का प्रभाव क्या पड़ा, तो हम यदि उसके प्रभाव को सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो वो सामाजिक अध्ययन का विषय बन गया। कि ओजोन परत यदि है, ओजोन परत का छेद यदि हमें परेशान कर रहा है, और यदि एसिड रेन है और ये सब चीजें हमें प्रभावित कर रही हैं, तो वो यदि प्रभाव निश्चित रूप से समाज पर पड़ रहा है तो वो प्राकृतिक विज्ञान भी किसका विषय बन गया, क्योंकि वो समाज से जुड़ा हुआ है, वो प्राकृतिक विज्ञान भी विषय बन गया सामाजिक अध्ययन का। तो आधुनिकतम जितनी भी समस्याएं हैं, भले वो हिंदी से रिलेटेड हो, भले वो प्राकृतिक विज्ञान से रिलेटेड हो, भले वो गणित से रिलेटेड हो, सभी सामाजिक अध्ययन का विषय इसलिए है क्योंकि वो समाज पर प्रभाव डाल रही हैं, समाज का वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है। तात्कालिक घटनाएं कि रोजमर्रा में जो समसामयिक जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो तात्कालिक घटनाएं भी इसका हिस्सा है।
समसामयिक और तात्कालिक कि जो भी कुछ रोजमर्रा में हो रहा है वो घटनाएं वो मामले इसका हिस्सा बन जाते हैं। आगे है मानवीय संबंधों का अध्ययन। अवधारणाओं में भी हमने पढ़ा कि जितने भी मानवीय संबंध हैं वो सामाजिक अध्ययन का विषय है। व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति का परिवार से संबंध, व्यक्ति का राज्य से संबंध, व्यक्ति का राष्ट्र से संबंध, ये सभी संबंध क्यों? क्योंकि सामाजिक अध्ययन सामाजिकता का विकास करना सिखाता है और सामाजिकता की पहली सीढ़ी है उसका सामाजिक होना, उसका अच्छे आदर्श गुणों का विकास करना। तो ये उत्तम नागरिकता मिलेगी उसे अपने सबसे पहली पाठशाला है उसका परिवार, उसके परिवार से। तो मानवीय संबंधों का अध्ययन भी इसका क्षेत्र माना जाता है। अब मानवीय संबंधों का अध्ययन वो किस आधार पर करेगा, पहला पॉइंट है। वो सेकंड पॉइंट को वर्णित कर रहा है, आप देखें कि सामाजिक व भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने मानवीय संबंधों को अच्छा बनाएगा। कि सामाजिक जो पर्यावरण है, जैसा हमें माहौल सामाजिक रूप से मिला, और भौतिक पर्यावरण जो है कि हमें जो भौतिक व्यवस्थाएं मिली, जो हमें चीजें मिली, उनके साथ मेरा सामंजस्य किस प्रकार हो। मनोविज्ञान में आप समायोजन एक यूनिट पढ़ते हैं, तो समायोजन का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों से अनुकूलन का सिद्धांत ही समायोजन है। कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं उन विपरीत परिस्थितियों में रहना सीख जाऊं, वो समायोजन है। उन विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे बनाता हूं, यह समायोजन है। वही समायोजन आप देखिए, इसलिए मैं कह रही हूं बार बार कि यह समन्वित विषय है। तो वही मनोविज्ञान यहां पर इस पॉइंट को रिलेट कर रहा है आपके इस पॉइंट को, कि सामाजिक व भौतिक पर्यावरण के सामंजस्य का अध्ययन सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है। आगे चलकर हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व अंतर सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम केवल राज्य और राष्ट्र तक सीमित नहीं रहते। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की संपूर्ण वसुधा मेरी धरा है, जब ये बात करते हैं, यूनिवर्सल ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सभी राष्ट्रों की अंतर सांस्कृतिक संबंध, कि मैं न केवल ये मानूं कि मेरी संस्कृति सबसे अच्छी, जैसे कि अभी मैंने चर्चा करी थी सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता लुप्त विलुप्त होती है लेकिन संस्कृति हमेशा जीवित रहती है हमारी परंपराओं एवं रीति रिवाजों के माध्यम से। और जो परंपराएं, जो रूढ़ियां हैं, उन्हें हम खत्म करते जाते हैं, और क्योंकि हम सभ्य हैं, क्योंकि हम आधुनिक हैं, और क्योंकि हमें यह ज्ञान है कि हमें अपनी परंपराओं को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, तो हम उन परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। तो अंतर सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन कि मेरी संस्कृति के साथ साथ मैं दूसरे व्यक्ति की, दूसरे राज्य की, दूसरे व्यक्ति की, दूसरे परिवार की, क्योंकि मैंने कहा हर दो व्यक्तियों की संस्कृति अलग हो सकती है, हर दो परिवारों की संस्कृति अलग हो सकती है, हर दो राज्यों और राष्ट्रों की संस्कृति अलग हो सकती है। तो मैं अपने साथ साथ, अपनी संस्कृति के साथ साथ, दूसरे देश की, दूसरे राज्य की, दूसरे व्यक्ति की संस्कृति को भी उतना ही सम्मान दूं, क्योंकि जब तक मैं मेरे अलावा दूसरे व्यक्ति की संस्कृति को सम्मान नहीं दूंगी तो मैं वसुधैव कुटुंबकम की तो निश्चित रूप से बात कर ही नहीं सकती। और वसुधैव कुटुंबकम की पहली सीढ़ी है सामाजिकता, कि हमें सामाजिकता की बात, सामाजिकता के तत्व यदि हैं, और सामाजिकता के तत्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप में उत्तम नागरिकता हो, और उत्तम नागरिकता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके आदर्श और मूल्य बहुत उच्च हो। क्योंकि ग्रहण करना, किसी भी वस्तु को, किसी भी दूसरे व्यक्ति की चीज को ग्रहण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य को यह लगता है कि जो मैंने किया वो बहुत ज्यादा अच्छा किया। तो सामाजिक अध्ययन, आप ये देखिए दोस्तों कि हम इस विषय को इतना निर्जीव समझ रहे हैं, लेकिन यह विषय हमें यह दिखाता है कि अपने साथ साथ हमें दूसरे व्यक्ति को भी किस प्रकार उसकी चीजों को लेना है। सिंपल सा उदाहरण एक देती हूं कि यदि हम किसी स्कूल में जाते हैं और स्कूल में हमारे बाद, यदि हम छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं और छठी कक्षा में ही किसी बच्चे ने नया एडमिशन लिया है, तो उस बच्चे के लिए कक्षा में अनुकूलन करना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग उसे पचाते ही नहीं है, हमें लगता है कि नहीं, अब ये स्टूडेंट हमारी ही बात माने। जैसे सिंपल सी, आजकल रैगिंग प्रथा बंद हो गई, लेकिन रैगिंग में भी हम ये मानते हैं कि बस अब ये मेरे अधीनस्थ रहे, मेरे नीचे रहे। ये वैसे ही परिवार में यदि कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो हम लोग उसके चारों तरफ इस प्रकार हो जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरी ही बात माने। उसी प्रकार अंतर सांस्कृतिक होने के लिए जरूरी है कि मैं मेरे साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी उतना ही
तवज्जो दूं, दूसरे व्यक्ति या दूसरे देश या दूसरे राज्य की संस्कृति को भी मानूं। तो अंतर सांस्कृतिक संबंधों को का अध्ययन करने में भी यह विषय, इसका क्षेत्र व्यापक है। आगे जब हम बात करते हैं, जैसा कि इतनी सब बातों की बात हमने करी, इन सब बातों की, तो ये बातें ग्रहण कैसे करी जाएंगी, ये जो पॉइंट है ये इन सब चीजों को ग्रहण करने के लिए देगा कि समुचित आदतों, अभिवृत्तियों, रुचियों एवं क्षमताओं का विकास, कि हर व्यक्ति में जब तक अच्छी आदतों का निर्माण नहीं होगा, जब मुझ में अच्छी सकारात्मक आदतें हैं तभी मैं किसी और व्यक्ति को सम्मान दे पाऊंगी। और रुचि, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, मेरा दृष्टिकोण, जैसे कि पहले हमने बात करी कि एटीट्यूड, एक सिंपल सी बात हम कहते हैं कि बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा एटीट्यूड मतलब कोई नकारात्मक चीज नहीं है, एटीट्यूड का मतलब मेरी अभिवृत्ति है, मेरी सोच, जो मेरा दृष्टिकोण, कि जो कि मेरे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है कि मैं ऐसा सोचती हूं। ये चीजें, दृष्टिकोण या एटीट्यूड प्रभावित करता है हमारे सिद्धांतों को, कि मैं, मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा मैं सोचती हूं और मैं ऐसी मैंने धारणाएं बना रखी हैं, इसलिए मेरा एटीट्यूड ऐसा है। अब एटीट्यूड ऐसा है, कई बार यदि हमारा एटीट्यूड गलत है, एटीट्यूड सकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकता है, यदि हमारा एटीट्यूड गलत है तो हम निश्चित रूप से, यदि वो किसी को कुप्रभावित कर रहा है तो हम निश्चित रूप से उसमें अपनी आदतों के माध्यम से उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। रुचियों एवं क्षमताओं का विकास, कि रुचियों एवं क्षमताओं का विकास करने का काम भी सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है और सामाजिक अध्ययन को प्रभावित करता है। ये सभी हुए सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र, जो कि सामाजिक अध्ययन के स्कोप को, सामाजिक अध्ययन के प्रसार को, सामाजिक अध्ययन के विस्तार को बताते हैं कि किस प्रकार सामाजिक अध्ययन फैला हुआ है। और केवल इस विषय को हम केवल इतना सा समझते हैं कि यह विषय केवल किताबी अध्ययन है, यह विषय केवल ऐसा है कि केवल एक छोटे से पाठ्यक्रम को पूरा करके हम इस विषय को खत्म कर देते हैं, ऐसा विषय ये विषय नहीं है। इस विषय को हम किस प्रकार आगे पढ़ेंगे और ये विषय किस प्रकार आगे सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ये हुआ सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की प्रकृति की। प्रकृति कहें हम नेचर, नेचर हम कहें किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, अब देखा जाए तो ये चीजें एक दूसरे से कोरिलेट ही होती आपको नजर आएंगी, एक दूसरे से कि जैसे ही आपको नजर आएंगी कि अवधारणा भी है, प्रकृति भी है, क्षेत्र भी है। तो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के बारे में सबसे पहले लिखा मुदालियर कमीशन ने, मुदालियर कमीशन ने इसकी प्रकृति के बारे में लिखा कि यह विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र को पूर्ण इकाई के रूप में मानता है। और वैसे भी हम इस विषय के बारे में कह रहे हैं कि यह एक समन्वित विषय है, और यही इस विषय की सबसे बड़ी विशेषता मानिए दोस्तों, कि यह एक समन्वित विषय है। केवल हम हिंदी की बात करें, केवल हम इस कक्षा के माध्यम से हम अन्य विषयों को ही दृष्टि से नहीं देख रहे, लेकिन हम इस विषय की विशेषता की बात कर रहे हैं कि यह विषय एक समन्वित विषय है जो कि सभी विषयों के योग से बना है और सभी विषयों के आधार पर हम सभी चीजों से सीखते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो एकीकृत विषय के रूप में विद्यार्थियों को सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित कर सकें, समन्वित के साथ साथ एकीकृत, निश्चित रूप से ये एकीकृत विषय, एकीकृत विषय यानी सारे विषयों का पुंज है, तो एकीकृत विषय के रूप में विद्यार्थियों को सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित करने की बात करता है। सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित करना, अभी हमने बात करी थी कि सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित है तभी हम उस व्यक्ति को समायोजित व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि आप ये मानकर चलें कि हम यदि परिवार में रह रहे हैं, यदि हम समाज में रह रहे हैं, यदि हम समाज से बाहर राज्य राष्ट्र में रह रहे हैं तो सब कुछ हमारे अनुकूल हमें मिलेगा, ये जरूरी नहीं, लेकिन उस विपरीत चीज को भी हम अपने अनुकूल किस प्रकार बना रहे हैं, उस सामाजिक पर्यावरण में किस प्रकार अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवस्थित से ही अपने आप समझ में आता है अनुकूलन, तो ये सिखाता है हमें सामाजिक अध्ययन, क्योंकि ये एक एकीकृत विषय है। आगे जब हम बात करते हैं तो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत सामाजिक शक्तियों एवं आंदोलनों के विषय में हम जान सकें। अब सामाजिक वातावरण में सामाजिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां की जो भी कुछ क्रांतियां हुई, जो भी कुछ आंदोलन हुए, मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण 1857 की क्रांति मानते हैं हम, भारत छोड़ो आंदोलन मानते हैं, तो ये सब चीजों ने किस प्रकार से राष्ट्र को आजादी दिलाई,
और किस प्रकार से सभी व्यक्ति सामाजिक रूप से एकजुट होकर किस प्रकार से किसी भी कार्य को आगे प्रभावित कर सकते हैं, किसी भी कार्य को कैसे अंजाम दे सकते हैं, ये हम सीखते हैं सामाजिक अध्ययन के माध्यम से। क्योंकि देखिए, जब आप सामाजिक वातावरण की बात कर रहे हैं तो जब आप समाज में रहेंगे तो आपको सामाजिक रूप से शक्तिवान, सामाजिक रूप से शक्ति से यहां तात्पर्य संगठन से है, आपको संगठित होना पड़ेगा। और संगठित होने के लिए आपको अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के लिए आंदोलनों की भी आवश्यकता होगी। आंदोलन का मतलब यहां लड़ाई नहीं है, आंदोलनों का मतलब यहां पर अपने स्वतंत्रता तथा अपने अधिकार को प्राप्त करने की बात है। तो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत सामाजिक शक्तियों एवं आंदोलनों के विषय में जान सकेंगे हम इस विषय के माध्यम से। तो ये बातें कही मुदालियर कमीशन ने, तो मुदालियर कमीशन ने इसकी प्रकृति की बात कही। अब यदि हम देखें, ये बातें तो थी मुदालियर कमीशन की कि एकीकृत विषय है या इसे सामाजिक वातावरण में हम इसको मान रहे हैं, एक समन्वित विषय है, आंदोलनों की बात कर रहे हैं, आंदोलनों के द्वारा हम सामाजिक समस्याओं और सामाजिक शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, ये बात करी मुदालियर कमीशन ने। लेकिन आगे यदि हम देखते हैं तो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है क्या, सामाजिक यह विषय प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है। बार बार हम इस बात को करेंगे क्योंकि मानवीय संबंध इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। कि हम जब नेचर की बात कर रहे हैं, जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, यानी उसके स्वभाव की बात कर रहे हैं कि कैसा इसका स्वभाव है। किसी व्यक्ति का स्वभाव है कि कोई व्यक्ति बहुत मृदुभाषी है तो निश्चित रूप से उसका कार्य भी उतनी ही मधुरपूर्ण होगा, उसके कार्य में भी उतनी सौहार्दता होगी। उसी प्रकार प्रकृति, जैसी जिस व्यक्ति की प्रकृति होती है उसके कार्यों में उसकी प्रकृति का रिफ्लेक्शन आता है। इसीलिए सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है वो अपनी प्रकृति के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर उसके जो परिणाम होंगे वो भी उसी प्रकार से देखे जाएंगे। तो यह है कि यह विषय प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है, कि मानवीय संबंध बहुत मजबूत होने चाहिए। मानवीय संबंध ही देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन की सबसे बड़ी कड़ी है। क्योंकि हम बार बार ये मानते हैं कि सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिकता का विकास, सामाजिक अध्ययन यानी उत्तम नागरिकता का विकास, सामाजिक अध्ययन यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करना, सामाजिक अध्ययन यानी मानवीय संबंधों का अध्ययन करना, सामाजिक अध्ययन यानी समुचित आदतों एवं मनोवृत्तियों का विकास करना। तो जब समुचित आदतों एवं मनोवृत्तियों का विकास आप करेंगे तो सबसे पहली धुरी है, सबसे पहली सीढ़ी है उसकी मानवीय संबंध। आगे जब हम बात करते हैं तो मानव समूह के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि दोनों ही कथन एक जैसे हैं, लेकिन दोनों कथन अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। कि मानवीय संबंध जो है वो तब अच्छे होंगे जब हम मानव समूह का अध्ययन करेंगे। कि मानव समूह यानी मैं मेरे अतिरिक्त जो भी कोई दूसरा व्यक्ति है जो मुझसे संबंधित है उसका अध्ययन करूं, मैं पहले ये समझूं कि सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकताएं, सामने वाले व्यक्ति की आकांक्षाएं कैसी हैं। जैसा कि आप समायोजन में इस आप मनोविज्ञान में इस चीज को देखते हैं कि अलग अलग तरह के व्यक्तित्व हैं, अलग अलग तरह के उभयमुखी है और व्यक्तित्व है, एक अंतर्मुखी है, एक बहिर्मुखी है। तो अलग अलग तरह के जो व्यक्तित्व हैं वो व्यक्तित्व होने की वजह से हम ये मानकर चलें कि कोई भी व्यक्तित्व खराब नहीं है। हम यूं नहीं कह सकते कि अंतर्मुखी अच्छे नहीं होते, उभयमुखी अच्छे नहीं होते, बहिर्मुखी अच्छे नहीं होते। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि सभी व्यक्तियों के जो मानव समूह है उसका अध्ययन करना जरूरी है यदि हम मानवीय संबंध की बात करते हैं। नहीं तो अदरवाइज, तो यदि हम सामने वाले व्यक्ति को नहीं समझेंगे तो हमारी तो शायद रोज लड़ाई होगी। जब रोज लड़ाई होगी तो सामाजिकता का शब्द तो आएगा ही नहीं। पर यह जरूरी नहीं कि लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि हम तो सामाजिक अध्ययन पढ़े हुए हैं इसलिए हमारी तो लड़ाई होगी नहीं। हमारी लड़ाई हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम सामाजिक हैं तो हम उस सुलह को, हम उस चीज को बहुत जल्दी, और हम सामाजिक शक्ति के रूप में एक हो जाएंगे। हम विध्वंसक नहीं होंगे, हम अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन एक वापस हमारी व्यवस्था वैसी की वैसी हो जाएगी। क्योंकि सामाजिक अध्ययन संगठन की बात भी करता है। शुरू शुरू में जब हमने पढ़ा था कि सामाजिक अध्ययन मानव के जन्म तथा संगठन तथा विकास की बात करता है, इसलिए हम यूं मानेंगे कि सामाजिक अध्ययन जो है मानव समूह का अध्ययन करता है।
आगे जब हम बात करते हैं कि मानव समूह के साथ साथ व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करता है, आपने देखिए मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, इतिहास, इन सब से कहीं नितांत सामाजिक अध्ययन अलग नहीं है, इसीलिए हम इस विषय को समन्वित अध्ययन कहते हैं, समन्वित विषय कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस की दो लोगों में अंतर होता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि मैं मेरे जैसा व्यक्ति यदि तलाश करूंगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर व्यक्ति जैसा आप, जैसे आप खुद हैं वैसे ही आप दूसरे में, यदि वैसे ही गुणों को तलाश करेंगे तो नितांत आप अकेले रहेंगे। आपके लिए जरूरी यह है कि जैसे आप खुद हैं वैसे ही आप बने रहे, लेकिन सामने वाला जैसा है उसको आप वैसे की वैसे ही उसे ग्रहण करने की कोशिश करें, उसे वैसा का वैसा ही मानने की कोशिश करें कि उसकी भी, क्योंकि हम ये भी मान रहे हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी उतना ही तवज्जो देंगे। हो सकता है कि उसे भी आपकी व्यवस्थाएं ना पसंद आती हो, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब है कि दो व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, दो व्यक्तियों की सोच में फर्क हो सकता है, दो व्यक्तियों के बातों में फर्क हो सकता है, दो व्यक्तियों के तरीकों में फर्क हो सकता है, लेकिन सामाजिक अध्ययन हमें यही सिखाता है। सामाजिकता ये नहीं कि सामाजिकता का मतलब ये हो गया भाई समूह में है तो सब चुपचाप बैठे हैं और हम एक जैसा काम कर रहे हैं। जब हम साथ रहेंगे, जब हम संगठन में रहेंगे, तो निश्चित रूप से छोटी मोटी कुछ व्यवस्थाएं ऊंची नीची होंगी, तो हम ये मानकर चले कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। अब दो व्यक्ति जब एक जैसे नहीं हो सकते तो उस व्यक्ति को जैसा वो है वैसा का वैसा मुझे उस व्यक्ति को लेना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इसमें महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देने के द्वारा ही हम मानव समूह तथा मानव समूह के साथ साथ हम मानवीय संबंधों को हम प्रगाढ़ बना सकते हैं, मानवीय संबंधों को हम महत्व दे सकते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो समन्वित तथा सम्मिलित अध्ययन पर बल, बार बार इस विषय के लिए कहा गया है कि यह एक एकीकृत विषय है, यह एक समन्वित इंटीग्रेटेड विषय है, क्योंकि और कोई विषय ऐसा नहीं जो इंटीग्रेटेड है, और इंटीग्रेटेड है इसलिए यह इंटीग्रेशन की बात भी करता है, यह राष्ट्रीयता की बात भी करता है। आगे जब हम बात करें कि यह विषय, ये तो ये सब बातें हुई इसके क्षेत्र की, कि इसका स्कोप किन किन चीजों में है, इसका प्रसार किन किन बातों में है, कि ये किन किन बातों को प्रभावित कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन, जो विषय हम पढ़ रहे हैं, इस विषय का महत्व क्या है, क्यों हमें यह विषय पढ़ना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के महत्व की जब हम चर्चा करते हैं तो महत्व में आवश्यकता तथा उपयोगिता दोनों शब्द समावेश होते हैं। उपयोगिता दोनों शब्दों का समाविष्ट होता है कि सामाजिक अध्ययन में हम ये मानते हैं कि उसके महत्व में हम देखें तो सामाजिक जीवन के महत्व का ज्ञान, कि सामूहिक जीवन के महत्व का हमें ज्ञान हो, कि हमें सामूहिक जीवन, सामाजिक अध्ययन को पढ़ने के बाद हमें सामूहिक जीवन के महत्व का पता चलता है कि समूह में रहना, साथ में रहना किस प्रकार अच्छा है, किस प्रकार हम सामूहिक जीवन में रहकर किन किन गुणों का हम में विकास हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति दो तरह के, यदि एक एकांकी परिवार में रह रहा है और एक सामूहिक परिवार में रह रहा है, तो दोनों ही बालकों के हम देखेंगे कि उनकी व्यक्तित्व में अलग अलग तरह का प्रभाव होता है, और वो जो सामूहिक परिवार में रह रहा है वो बच्चे में ज्यादा सामूहिकता और सामाजिकता की भावनाओं का विकास होता है। दूसरा है जीवन हेतु व्यवहारिक उपयोगिता, कि हम सामाजिक अध्ययन के द्वारा, सामाजिक अध्ययन का महत्व ये है कि जीवन हेतु व्यवहारिक उपयोगिता का प्रभाव भी देखा जाता है, कि जीवन हेतु हम व्यवहारिक रूप से किस प्रकार हम यह विषय हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि बार बार सामाजिकता की बात की जा रही है तो ये सामाजिकता हम सीखते हैं सामाजिक अध्ययन के माध्यम से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, क्योंकि हमने ये कहा कि वैज्ञानिकता का मतलब है क्रमबद्धता, और क्रमबद्धता हम मान रहे हैं क्योंकि इसके प्रभाव को समूह में रहकर समाज के प्रभाव को हम देख रहे हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी बालक में इस विषय के माध्यम से विकास हो रहा है। आदर्श नेतृत्व विकसित करने में सहायक,
यह विषय जो है वो आदर्श नेतृत्व विकसित करने में भी सहायक है, क्योंकि समुचित आदतों का निर्माण करने में हम इस विषय की बात कर रहे हैं। यह विषय समुचित आदतों का निर्माण कर रहा है, तो आदर्श नेतृत्व विकसित करने में भी इस विषय को हम सहायक मान रहे हैं। जनसाधारण के लिए उपयोगी, कि यह विषय जनसाधारण के लिए उपयोगी है। हम यूं नहीं मान रहे कि कुछ ऐसा अलग वर्ग है, कुछ अमीर वर्ग उसके लिए उपयोगी है, कि कुछ गरीब वर्ग है उसके लिए उपयोगी है। जनसाधारण के लिए, सभी वर्गों के लिए जो वर्ग है, भले वो किसी भी विषय से संबंधित हो, भले वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, हर जनसाधारण के लिए यह विषय उपयोगिता है इस विषय की। प्रजातंत्र में सामाजिक अध्ययन का महत्व, कि प्रजातांत्रिक गुणों का विकास इस विषय के माध्यम से होता है बालक में, क्योंकि प्रजातांत्रिक गुणों का विकास यदि उसमें नहीं होगा तो जो हम बार बार सामाजिकता की बात कर रहे हैं कि अपने साथ साथ दूसरे व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की बात कर रहे हैं, वो प्रजातांत्रिक गुणों के विकास के माध्यम से हो रही है। एक चीज जो है 3R थियरी पर बल। 3R थियरी का मतलब है कि हम सामाजिक अध्ययन को एक ऐसी किंवदंती, एक ऐसी भ्रांति बनी हुई है कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है वो केवल रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है, कि मैंने रट ली कोई चीज और मैंने रटकर उस चीज को लिख दी। सामान्यतः आप देखेंगे भी तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे जो 6ठी 7वीं कक्षा में होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि इस आंसर को छोटा कर दो, कोई आंसर बहुत बड़ा है तो उसको छोटा करके वो विषय, तो वो चीज जब हम वो उस चीज में ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती। लेकिन सामाजिक अध्ययन हमें देती है 3R थियरी। 3R थियरी, तो फर्स्ट आर इज रिपीट यानी दोहरान करना, दूसरा आर है रिमेम्बर यानी स्मरण करना, और तीसरा आर है रिकॉल यानी पुनः स्मरण करना। कि यदि हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, यदि हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, तो वो चीज हमें याद हो जाती है, और याद होने के बाद उसी चीज को जब हम कभी वापस रिकॉल करते हैं, पुनः स्मरण करने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो चीज तुरंत याद आ जाती है। इसका छोटा सा उदाहरण है फोन नंबर। फोन नंबर वैसे तो आजकल बहुत मुश्किल है, किसी को किसी के नंबर याद नहीं रहते क्योंकि हम सभी के नंबर सेव करके रखते हैं। लेकिन जब हमारे पास डायलिंग फोन्स थे तब हम क्या करते थे कि हमने किसी नंबर को 2-3 बार रिपीट किया, रिपीट करने के बाद वो नंबर मुझे याद हो गया, और याद करने के बाद शुरुआत का 1 या 2 नंबर बोले ही तो ही मुझे वो नंबर रिकॉल हो जाता था, पुनः स्मरण हो जाता था। जैसे इसका उदाहरण ये भी कि बचपन में पेरेंट्स हमें कोई श्लोक याद करवाते हैं, हमने बार बार उसको रिपीट करा, वो मुझे याद हो गया, याद करते ही यदि मम्मी ने वो श्लोक गाया तो तुरंत मुझे वो पुनः स्मरण हो गया। तो ये 3R थियरी का सिद्धांत, ये भी बहुत अच्छी चीज जो सामाजिक अध्ययन का महत्व है और सामाजिक अध्ययन ने दी, जिसको कि हम यूं नहीं मान सकते कि यह विषय एक रटने की प्रवृत्ति का विकास करता है। आगे कुछ प्रश्न जो कि हमने पुराना जो पढ़ा उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि सामाजिक अध्ययन का किस प्रकार से शुरुआत हुई, सामाजिक विज्ञान को किन देशों ने इसके लिए कारगर कदम उठाए, सामाजिक अध्ययन पद सबसे पहले कहां से आया, सामाजिक अध्ययन में सबसे ज्यादा किन देशों ने भूमिका अदा करी, भारत में स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या कार्य हुए। साथ ही हमने ये देखा कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है, साथ ही हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र क्या हैं, सामाजिक अध्ययन के महत्व क्या हैं, और सामाजिक अध्ययन के महत्व के अतिरिक्त सामाजिक अध्ययन की उपयोगिता, महत्व और उपयोगिता जो कि हमने बात करी, वो हमने इस प्रकृति की भी हमने इसमें अपनी कक्षा में बात करी। अब कुछ संभावित प्रश्न आपके लिए, जो कि हम इसको पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से भी मान सकते हैं। तो प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पद की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई। सामाजिक अध्ययन पद की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत, और चौथा है रूस। तो इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन ने। जी हां, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन पद 19वीं शताब्दी के मध्य में सबसे पहले यह पद दिया ब्रिटेन ने। आगे प्रश्न है, अमेरिका द्वारा किस सन में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाई जाने की मान्यता दी गई। अ 1916, ब 1892, स 1905, द 1865।
सही उत्तर है, जी हाँ आपको आता है, सही उत्तर है 1892 में अमेरिका ने इस विषय को प्रारंभिक विद्यालयों में एक विषय के रूप में इस विषय को मान्यता प्रदान करी। आगे प्रश्न है कि भारत में सामाजिक अध्ययन को लागू करने की अनुशंसा किसने करी। तो भारत में लागू करने की अनुशंसा, जी हाँ मुझे मालूम है आपको बार बार ये आयोग का नाम आया है। पहला है कोठारी आयोग, दूसरा है मुदालियर आयोग, तीसरा है यशपाल समिति और चौथा है नीति आयोग। जी हाँ इसका सही उत्तर है मुदालियर आयोग। आगे जब हम बात करते हैं संभावित प्रश्नों के बाद, क्योंकि संभावित प्रश्न वाकई आपने इन प्रश्नों के माध्यम से ये बताया कि आपको ये चीज जो भी हमने बात करी वो रिकॉल हो रही है, वही 3R थ्योरी की बात कि हमने इस चीज को रिपीट किया, रिपीट करके मुझे रिमेम्बर हुआ, रिमेम्बर करके जब मैंने रिकॉल करने की कोशिश करी तो वो मुझे रिकॉल हो रही है। अब बात कर रहे हैं हम सामाजिक अध्ययन के लक्ष्य व उद्देश्य की। लक्ष्य व उद्देश्य, लक्ष्य एवं उद्देश्य बहुत भारी भरकम चीजें लगती हैं और हर बालक हर बच्चे के साथ हम यूं मानते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य जब से वो पढ़ना शुरू करता है तो उसकी चिंता उसको नहीं उसके पेरेंट्स को ज्यादा होती है कि क्या आपका लक्ष्य और उद्देश्य क्या आप मानते हैं। तो लक्ष्य और उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो कार्टर वी गुड के अनुसार लक्ष्य वह पूर्व निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। कार्टर वी गुड की यह परिभाषा कई बार आपको कोट की जाएगी, कई बार ये परिभाषा आपके लिए एक भूमिका प्रदान करेगी कि कार्टर वी गुड कहते हैं कि लक्ष्य वह पूर्व निर्धारित साक्ष्य होता है, एक साक्ष्य है, यानी ये एक साध्य के रूप में कार्य करता है, पूर्व निर्धारित है, हम इसको पूर्व निर्धारित कर लेते हैं जो किसी कार्य तथा क्रिया के लिए मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है कि मैं आगे क्या करूं, मैं क्या लूं, मैं क्या सब्जेक्ट लूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, वो मार्गदर्शन देने का कार्य करता है लक्ष्य, ये कहा कार्टर वी गुड ने। आगे बात करी कि सामाजिक अध्ययन के लक्ष्य व उद्देश्य को समझने से पहले हम इससे संबंधित जितने भी समानार्थी शब्द हैं उनकी बात करें कि कई बार जैसे कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दो शब्द हमने देखे थे कि वो एक जैसे लगते हैं, उसी प्रकार सामाजिक लक्ष्य उद्देश्य, कहीं कहीं प्राप्य उद्देश्य, कहीं अभिमत, कहीं मत, ये शब्द ऐसे हैं जो कि हमें बार बार भ्रांति में पैदा करते हैं। इन शब्दों को यदि हम देखें तो लक्ष्य की यदि हम बात करते हैं, लक्ष्य जिसे हम एम्स कहते हैं, तो लक्ष्य की यदि हम बात करते हैं तो बीडी भाटिया की एक बहुत सुंदर परिभाषा है, वो कहते हैं कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य या मंजिल को नहीं जानता और बालक उस पतवार ही विहीन नौका के समान है जो लहरों की थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी, किसी भी तट पर जा लगेगी उसे पता ही नहीं होगा, ऐसी नौका है पतवार विहीन कि उसकी कोई पतवार नहीं है और लहरों के थपेड़े आएंगे और वो चली जाएगी, और लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है कि उसको ये नहीं पता कि उसको अपनी नाव ले जानी कहाँ है। इसलिए बीडी भाटिया की यह परिभाषा ये बताती है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना जरूरी है, और इस परिभाषा से ये भी समझ में आता है कि लक्ष्य बड़े हैं और उद्देश्य छोटे होते हैं। आगे आप देखेंगे कि लक्ष्य साध्य हैं जो बालक के आगामी जीवन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं ताकि वह अपने सपनों को प्राप्त कर सके। तो लक्ष्य पहले भी हमने देखा था कार्टर वी गुड की साक्ष्य के माध्यम से कार्टर वी गुड कह रहे हैं कि लक्ष्य साध्य है, वैसे ही लक्ष्य साध्य है, साध्य यानी कि जैसे वो अर्जुन का तीर जो मछली को मछली पर वो तीर लगना है तो वो तीर तो साधन है और वो मछली साध्य है, उसी प्रकार लक्ष्य साध्य है जहां तक पहुंचना है और बालक के आगामी जीवन के लिए वो तैयार करते हैं ताकि वह अपने सपनों को प्राप्त कर सके। आगे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की कि लक्ष्य तो हो गई वो चीज वो साध्य जहां तक मुझे पहुंचना है, अब वहां तक मुझे पहुंचना है पर मुझे पहुंचाएगा कौन, मुझे कौन पहुंचाएगा कि मुझे वहां तक पहुंचना है। मैं तो चाहती हूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये मेरा लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य
बनाने के मैंने बना लिए, पर वो लक्ष्य तक मुझे पहुंचाएगा कौन? क्योंकि प्रधानमंत्री बन गई, मैं अमिताभ बच्चन बन गई, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, हर व्यक्ति कुछ भी बनने की चेष्टा करेगा, लेकिन वहां तक पहुंचाने का जो काम करेंगे वो करेंगे उद्देश्य। उद्देश्यों के लिए कहा गया है कि उद्देश्य वे छोटे छोटे चरण हैं जो कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, कि लक्ष्य को प्राप्त कराने में जो हमारी सहायता करते हैं वे उद्देश्य हैं, तथा आवश्यक व्यवहारिक परिवर्तन लाते हैं। बहुत सुंदर बात कि छोटे छोटे चरण हैं तथा व्यवहारिक परिवर्तन लाते हैं, कि हम कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इन छोटे छोटे चरण का मतलब इन छोटे छोटे कार्यों की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे प्रयोगों की जरूरत पड़ती है, और इसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, जो हमने चीज ले ली, जो हमें प्राप्त हो गई, वो हमें ये दिखाती है कि हमें कुछ चीज प्राप्त हो रही है, और वो हमें एक सफलता का एक हमें आभास कराती है। हम सिंपल सी एक कहावत मानते आते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, बहुत सुंदर कहावत है, बहुत जरूरी है, लेकिन यदि एक इसी के साथ एक कहावत यह भी मानी जाती है कि सफलता ही सफलता की कुंजी है, यदि हमें बार बार निराशा मिलती जाती है, बार बार निराशा मिलती जाती है, तो हम इस चीज को यूं मानते हैं कि व्यक्ति आगे शायद कई बार वो इतना हतोत्साहित होता है कि वो शायद कहीं अपने लक्ष्य को से भटक जाता है, लेकिन ये चीज उद्देश्यों के माध्यम से, उद्देश्य के उसके छोटे छोटे साधन हैं जो उसे यदि मिलते जाते हैं, यदि उसके पूरे होते जाते हैं, तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन आता है, और यह व्यवहार में परिवर्तन सकारात्मक है, उसे ऊर्जा प्रदान करता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। अब इसमें क्या अंतर है, यह भी हम देखते हैं आगे। अब एक शब्द और आता है मूल्य। मूल्य बहुत भारी भरकम शब्द जो कि आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि यूं माना जाता है कि बहुत चीजें, एक भारी शब्द की मूल्य क्या है इस चीज का। तो मूल्य अपनी प्रकृति में एक व्यवहारिक व वास्तविक होते हैं, तथा मूल्यों का ज्ञान हमेशा अध्ययन अध्यापन के पश्चात होता है। देखिए बहुत अच्छी बात कि लक्ष्य एवं उद्देश्य कार्य से पहले, और मूल्य हमेशा कार्य के पश्चात, अध्ययन अध्यापन के पश्चात उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो मूल्य से संबंधित, लेकिन कार्य से पहले हम जो चीज मानते हैं कि ये चीज हमारे पास आनी चाहिए, ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, वो है लक्ष्य एवं उद्देश्य की। आगे जो चीज हम बात कर रहे हैं, एक है मत। मत यानी बहुत से लोगों की बात, अधिकांशतः जनसमूह का तर्कसंगत विचारपूर्ण कथन, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज होती है बहस, जिसको हम मानते हैं कि लोग निरर्थक बातों पर, जिसमें ये दोनों तत्व नहीं होते, इसलिए वो बहस होती है, जबरदस्ती हम उस चीज के लिए बात करे जा रहे हैं, लेकिन जहां पर मत का मतलब तर्कसंगत भी है, उसको तार्किक रूप से हम काट भी सकते हैं, और विचारपूर्ण भी है, उस पर हम विचार भी कर रहे हैं, वो है मत। ऐसे ही लक्ष्य और उद्देश्य के साथ और मूल्यों के साथ एक शब्द और आता है, जो है प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य कि लक्ष्य को पाने के लिए मैंने उद्देश्य बनाए, और उद्देश्य के बनाने के लिए जो जो उद्देश्य मुझे मिलते गए वो मेरे प्राप्य उद्देश्य हैं। देखिए इसमें कि प्राप्य उद्देश्य वह मानदंड है जो जिसको छात्र तथा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है, कि विद्यालय क्रिया जो है उसको प्राप्त पूर्ण किया मैंने, उसको पूर्ण करने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ वो प्राप्य उद्देश्य की श्रेणी में आता है। आगे है गुड कहते हैं, कार्टर भी गुड कहते हैं कि प्राप्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का फल होता है। पहले भी इसने ये बात कही गई कि विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्य उद्देश्य हैं, और गुड कहते हैं कि जैसे हम छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, वैसा परिवर्तन जब में उसमें हो गया तो वो प्राप्य उद्देश्य की श्रेणी में आ जाता है। इसे समझने के लिए दोस्तों एक चित्र का हम सहारा लेते हैं। मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य को समझाने की कोशिश करी, कि कई बार लक्ष्य, कई पुस्तकों में आप लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही मानेंगे, और कई पुस्तकों में उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य को भी आप एक ही मानेंगे, एक ही, एक जैसे वो लगेंगे, लेकिन इन तीनों में अपनी अपनी गहनता के आधार पर और अपने अपने दिशा निर्देश के आधार पर और अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के आधार पर फर्क है। ये एक चित्र है कि एक किसान अपने पुत्र को
एक किसान बीमार होता है और अपने पुत्र को एक किसी ने उसको बताया होता है कि संजीवनी बूटी एक पेड़ पर लगी हुई है और वो संजीवनी बूटी लाने के लिए आप अपने पुत्र को भेजो, और आपका पुत्र यदि वहां चला गया और संजीवनी को बूटी लेकर आ गया तो आपके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। इसके लिए वो उसका पुत्र को वो भेजता है, उसका पुत्र जाकर और वो संजीवनी बूटी, बहुत लंबा रास्ता, बहुत कठिन उसका रास्ता है, और उस कठिन रास्ते में जब उसका पुत्र जाता है तो वो देखता है कि बहुत दूर तक वो चला गया, आधे रास्ते तक वो गंतव्य तक ये सोचकर गया था कि मुझे संजीवनी बूटी लानी है। तो संजीवनी बूटी जो लानी है वो है उसका लक्ष्य। उस संजीवनी बूटी लाने के लिए उसने जो चीज की संकल्पना करी वो है उसके उद्देश्य। अब उद्देश्य के लिए जो चीज आधे रास्ते में उसे एक कुटिया मिली और चलते चलते वो इतना थक गया कि अब वो उस कुटिया में जाकर उसने थोड़ा सा विश्राम करा, और उस कुटिया में एक ऋषि मुनि उसे मिले और वो उन्होंने बताया कि आगे रास्ता इस प्रकार है। तो ये हुआ उसका प्राप्य उद्देश्य। तो हम ये देखेंगे कि प्राप्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें ये साध्य है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें साधन के रूप में उद्देश्य काम देते हैं, और इन उद्देश्यों के आधार पर जो कुछ हमें प्राप्त हो गया हमें सकारात्मकता प्रदान कर रहा है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है। अब उसको जब ऋषि मुनि मिल गए तो उसकी थोड़ी सी सांस में सांस आई कि अब वास्तव में मैं शायद संजीवनी बूटी तक पहुंच जाऊंगा। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि लक्ष्य एक साध्य है, उद्देश्य वो एक साधन है जो उस तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और उद्देश्य से एक और छोटी अवस्था प्राप्य उद्देश्य की है जो कि बालक में सकारात्मकता का प्रयोग कर रही है और व्यवहारगत परिवर्तन कर रही है उसके व्यवहार में, कि वो जो हम फलित, जो हम इच्छित चीज चाहते थे वो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि लक्ष्य जिसको हम बार बार साक्ष्य बोल रहे हैं, जिसको हम बार बार साध्य बोल रहे हैं, उसकी क्या विशेषता है, वो क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी विशेषता कैसी है। तो सबसे पहला लक्ष्य है आदर्शवादी तथा दार्शनिक होते हैं। आदर्शवादी और दार्शनिक इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कल्पनाओं की बात ज्यादा है, इसमें दार्शनिकता इसमें है क्योंकि इसमें विचार चिंतन ज्यादा है, क्योंकि आदर्शवादी इसलिए है क्योंकि इसमें काल्पनिकता ज्यादा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे राम जैसा हो जाना चाहिए, मुझे सीता जैसा बन जाना चाहिए, मेरे पास ये चीज आ जानी चाहिए, इसलिए ये चीज आदर्शवादी है। दूसरा ये साध्य है, बार बार हम बोल रहे हैं साध्य इसलिए है क्योंकि मुझे कहां तक पहुंचना है, मेरा निशाना कहां तक है, तो ये एक साध्य है। आगे सैद्धांतिक होते हैं, सैद्धांतिक इसलिए है क्योंकि हम ये मानते हैं कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा होना है, लेकिन व्यवहार रूप में उसमें मुझे पृष्ठभूमि क्या मिलेगी, मेरे साथ क्या होगा, उसकी बात नहीं, ये सैद्धांतिक ज्यादा होते हैं। आगे हम देख रहे हैं क्योंकि ये आदर्शवादी हैं, दार्शनिक हैं, जैसा कि कठिन रास्ता था, कठिन रास्ते तक जाने के लिए उसे ऋषि मुनि से पूछना पड़ा, बहुत पैदल पैदल वो गया, तो ये जटिल एवं दुष्कर होते हैं, और इसी वजह से कई बार ये होता है कि हमें उसी में, कि कई बार ऐसा भी हो सकता था कि वो ऋषि मुनि से पूछकर ही वो बच्चा वापस आ जाता और आगे जाता ही नहीं, तो जटिल एवं दुष्कर होते हैं। इसी वजह से कई बार लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, इसलिए भटकते हैं क्योंकि लक्ष्य हमेशा जटिल एवं दुष्कर होते हैं। और दीर्घ अवधि, जो अवधि है इसकी वो है दीर्घ होती है, इसकी अवधि लंबी होती है, लंबी है, जटिल एवं दुष्कर है इसलिए इनकी अवधि लंबी होती है, दीर्घ अवधि में ये प्राप्त होते हैं। और व्यापक होते हैं, ये व्यापक रहते हैं, इनको इनका क्षेत्र विस्तृत होता है, कि इनकी व्यापकता है कि कई बार एक चीज से दूसरी चीज निकल कर आती है तो इनका चीज भी व्यापक होती है। और साथ ही एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता में है वो गत्यात्मकता है, गत्यात्मक यानी गतिशील, ये गतिशील भी होते हैं। गतिशील का तात्पर्य, बहुत मजेदार बात यह है कि जैसे ही लक्ष्य मिल जाता है, जैसे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड आपका लक्ष्य है, आप ये चाहते हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो जाए, पर जैसे ही आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ, आपको पोस्टिंग मिली, आप नौकरी करने गए, तुरंत कुछ दिन बाद ही आपकी जिज्ञासा करेगी कि मैं फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर हो जाऊं। तो लक्ष्य
कभी भी स्थिर नहीं होते। यदि लक्ष्य स्थिर हो जाएंगे तो व्यक्ति जिंदगी में कल्पना करना और सपने लेना ही भूल जाएगा। तो लक्ष्य गतिशील होते हैं, गत्यात्मक होते हैं। जैसे ही एक मिला व्यक्ति दूसरे की कामना करने लगता है। तो लक्ष्य यदि मैं कहूं तो लक्ष्य कभी जिंदगी में मिलते ही नहीं और मिलने भी नहीं चाहिए। हमें आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बात तो हुई केवल एक साधारण अर्थों में, लेकिन लक्ष्य गतिशील होते हैं। लक्ष्य एक के मिलते ही लक्ष्य हम दूसरे की कामना करने लगते हैं। अब है उद्देश्य। लक्ष्य इसी के बिल्कुल विपरीत, इससे छोटा। हम यूं माने कि यदि लक्ष्य बड़ा सर्किल है तो उद्देश्य उसका छोटा सर्किल है, क्योंकि बिना उद्देश्य के लक्ष्य तो प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखेंगे कि उद्देश्य यदि लक्ष्य आदर्शवादी और दार्शनिक है तो उद्देश्य मनोवैज्ञानिक है। उद्देश्य मनोवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि हम यहां पर ये देखते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक वो चीज होती है जो बालक की रुचि, योग्यता एवं क्षमता को देखती है। मैंने लक्ष्य तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन मैं ये देखूंगी कि मेरी रुचि, मेरी योग्यता, मेरी क्षमता उसके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं। अब ये बात तो जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को घटा बढ़ा सकते हैं, घटाना कोई नहीं चाहता, बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये भी मुझे देखना जरूरी है कि कहीं मैं कुंठाओं का और तनाव का शिकार तो नहीं हो जाऊंगी। यदि मैं अपनी योग्यता और क्षमता को नहीं देखूंगी तो मैं मनोवैज्ञानिकता ये कहती है कि हम अपनी रुचियों, क्षमताओं के आधार पर, हो सकता है आज मेरा पढ़ने का ऐसा मूड हो तो मैं अपने पढ़ने की स्थिति में, मैं अपने पढ़ने की गति में बदलाव करूंगी। तो यदि हम ये कहते हैं कि लक्ष्य आदर्शवादी और दार्शनिक होते हैं तो उद्देश्य मनोवैज्ञानिक होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि लक्ष्य साध्य है कि मुझे क्या भेदना। अर्जुन के लिए वो मछली की आंख लक्ष्य थी, वो साध्य था, तो उद्देश्य साधन के रूप में काम करते हैं और ये लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यदि मछली की आंख साध्य थी तो वो तीर उसका साधन था। लक्ष्य सैद्धांतिक होते हैं, उन्हें हम सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर देखते हैं कि ऐसा हमें बनना है, ऐसा हमको चीज चाहिए। उसी आधार पर उद्देश्य, उसके विपरीत उद्देश्य व्यवहारिक होते हैं, क्योंकि यदि ये सैद्धांतिक है और यदि ये व्यवहारिक नहीं होंगे तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हम विपरीत इसको कह रहे हैं, लेकिन ये विपरीत इसलिए है क्योंकि ये अन्योनाश्रित है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यदि ये सैद्धांतिक है और ये व्यवहारिक नहीं होंगे तो वो प्राप्त ही नहीं होंगे। आगे इनकी अवधि दीर्घ है तो इनकी अवधि अल्प अवधि में ये प्राप्त होते हैं। आगे ये जटिल लक्ष्य जटिल एवं दुष्कर हैं, लेकिन उद्देश्य सरल होते हैं क्योंकि उनको हम अपनी मनोवैज्ञानिकता के आधार पर तय करते हैं। या मनोवैज्ञानिकता से तात्पर्य है कि अपन अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं, मेरी रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर कि मैं दिन में 4 घंटे पढ़ सकती हूं, मैं दिन में 5 घंटे पढ़ सकती हूं, मैं दिन में 6 घंटे पढ़ सकती हूं, उस आधार पर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो वो जब आपको प्राप्त होते जाते हैं तो वो सरल आपको लगते हैं। आगे कि ये व्यापक होते हैं, हम लक्ष्य को व्यापक मान रहे हैं तो ये जो उद्देश्य है वो शिक्षण का नियोजन करने में सहायक होते हैं कि हम उद्देश्यों के माध्यम से हम शिक्षण को किस प्रकार कक्षा में पढ़ाएं, हम शिक्षण किस प्रकार कराएं, उसके लिए उद्देश्य तय किए जाते हैं। कक्षा में हम किस प्रकार कि आज मैं कक्षा में यदि जा रही हूं तो मैं किस उद्देश्य से कक्षा में जा रही हूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं किस लक्ष्य से कक्षा में जा रही हूं, मैं कक्षा में यदि पढ़ाने जा रही हूं तो मैं किस उद्देश्य से पढ़ाने जा रही हूं। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षण का नियोजन करने में उद्देश्य सहायक होते हैं। तो ये लक्ष्य की विशेषताएं और उद्देश्य की विशेषताएं हमने देखी। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न आपको जो हमने पढ़ा आज उनके आधार पर अभ्यास प्रश्न जिनका कि आप अपने घर जाकर उनका अध्ययन करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, उन अभ्यास प्रश्नों को किस आधार पर आप इन प्रश्नों को जो कुछ हमने पढ़ा उसके आधार पर उन प्रश्नों का हल किस प्रकार कर सकते हैं। आज हमने सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पद कहां से आया, किस किस ने इसको शुरू करा, किन बाहर के देशों ने, ब्रिटेन और अमेरिका ने इसके लिए क्या कार्य करा, किन किन प्रकार के संगठन बनाए, भारत के कॉन्सेप्ट में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद इसमें क्या काम हुआ, मुदा
ग्वालियर आयोग ने इसमें क्या अहम भूमिका निभाई 1952-53 में और 1955 से ये लागू किया गया। और इसके अतिरिक्त हमने ये देखा कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों विषयों में, दोनों पदों में क्या अंतर है, साथ ही सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति को, सामाजिक अध्ययन के महत्व को भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये देखा सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र, प्रकृति और अलावा हमने एक नई चीज जो कि और आगे अगली कक्षा में हम कंटिन्यू रखेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं, कि लक्ष्य उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य किस प्रकार से हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो अभ्यास प्रश्नों के साथ हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर